लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Yeah, I know, I'm 1 hour late. नहीं इस हफ्ते मैं कहीं नहीं जा सकता, बहुत काम है मुझे. Cancel all the appointments. Okay? सर नाश्ता तैयार है. मैं माँ से मिल के आया. Okay. Good morning, माँ. जिंदगी कितनी strange है ना. जब कुछ भी नहीं था तो सब कुछ था क्योंकि तू थी. और सब कुछ है तो कुछ भी नहीं क्योंकि तू चली गई. आज पता है मैं तुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं. जब मैं 6 साल का था तो मुझे छोड़ के चली गई. 20 साल हो गए तो बिल्कुल वैसी की वैसी है. और देख मां मैं कितना बदल गया हूं. जन्मदिन यादें भूल गई. चल एक बात बता, इस साल तोहफे में क्या देखी. हर साल तूने भगवान से कुछ ना कुछ मांग के दिया है. इस साल क्या देगी, देगी भी है नहीं. हाँ? There is a powerful shot from Gibbs. It's to the... Sorry about this, I didn't get time to walk in the morning. So tell me what's up for today. At 11 o'clock, you have a meeting with Mr. Smith, the GM of General Motors, a lunch appointment with executives of the American Express Bank. At 4 o'clock, a meeting with Ministry of External Affairs. The lunch is going to take us about half an hour. So can you shift that to about 2:33? Will do, sir. Namaskar. आज के मुख्य समाचारों में विदेश मंत्री की नई विदेश नीति, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भारत ने बनाया नया रिकॉर्ड. आजकल न्यूज में कोई न्यूज नहीं आती क्या? भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा और लंदन बेस्ड भारत मूल के राजेश पुरुषोत्तम मित्तल को मिला बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड. भारत और दुनिया भर में बसे भारतीयों के लिए काफी गर्व की बात है कि इंग्लैंड का सबसे प्रेस्टीजियस अवार्ड एक भारतीय को मिला है. राजेश पुरुषोत्तम
पापा जिंदा हैं और तू ये सोची थी कि उन्हें कुछ हो गया है इसलिए वापस नहीं आए। मां वो तो सिर्फ काम में बिजी थे और आज उसी काम की वजह से उन्हें बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रहा है। तेरे जाने के बाद मैं ये सोचता था कि मैं किसके लिए जी रहा हूँ, क्यों जी रहा हूँ। तेरा भगवान कितना अच्छा है माँ, उसने मेरे सर से माँ का आंचल छीन लिया तो बाप का साया दे दिया। ना तू विधवा थी माँ, ना मैं अनाथ था। माँ हमें फॉरन लड़ने जाना पड़ेगा और तुझे भी मेरे साथ चलना पड़ेगा, वरना मुझे पहचानेंगे कैसे? और उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि उनका एक बेटा भी है। शेखर, आई नो सर, आपकी लंदन की टिकट पहली फ्लाइट की बुक करूंगा सर। थैंक यू, एंड यू टेक योर बिजनेस सर। ऑल द वेरी बेस्ट। चेहरे से तो लगता है कि तुम मुझसे पहली बार मिल रहे हो। मैं? अरे फालतू बात छोड़ो, वैसे भी इतने दिनों तक ना फोन ना फैक्स ना मिलने की कोशिश, ऐसा भी मत करो यार। लेकिन शायद आप मुझे आप जनाब कहाँ से हो गया? पहले तू तड़ाक से अच्छी मजाक करते थे और आप जनाब एक दिन में पराया बना दिया। अरे उठाओ ना बैग, लगता है तुम्हें भूलने की बीमारी हो गई है। किसी अच्छे से डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? चले, come on। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? पता है तुम तो मेरा पहला प्यार हो, पहले प्यार को भला कोई भूल सकता है? हाँ, और अगर आज तुम नहीं आती ना एयरपोर्ट, मैं बहुत अपसेट हो जाता और मैं वापस से मुंबई चला जाता, समझी? और मैं तुमसे मिलकर इतना खुश हूँ कि मैं उसका बयान मुंह से नहीं होठों से दूंगा। मैंने जाना तुमको पहचाना, तुमसे मेरा रिश्ता जाने कितना है पुराना। नहीं फैक्स, नहीं ज़ेरॉक्स, नहीं टेलेक्स या कंप्यूटर की फ्लॉपी। नहीं फैक्स, नहीं ज़ेरॉक्स, नहीं टेलेक्स या कंप्यूटर की फ्लॉपी। मैं तो मेरे पापा की कार्बन कॉपी, नहीं बैक, नहीं ज़ेरॉक्स, नहीं टेलेक्स या कंप्यूटर की कॉपी। अरे मैं तो मेरे पापा की कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी हो। नहीं बैक, नहीं ज़ेरॉक्स, नहीं टेलेक्स या कंप्यूटर की कॉपी। कम डाल। थैंक यू। Be careful. Dad. Excuse me. Your card, please? Sure. I'm with her. Ye koi time aane ka?
क्या? क्या? कार्ड दो. Do I even know you? लगा दी मैं कम है. Thank you. चलो बहुत अच्छी लग रही. चलो. Can I have my card back? Come on. Stop it. Excuse me. Behave yourself. Whoa. और वैसे भी तुम हो कौन? लगता है तुम्हारी याददाश्त खराब हो गई. तुम किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा देती? और इस तरह बिना कार्ड के फंक्शन में आना क्या अच्छा लगता है? और किसी भले आदमी को कूली बनाना अच्छा लगता है? तो हिसाब बराबर. Yep. Hi, I'm Sonia. ये कैसा नाम हुआ? I'm Sonia. And I'm Raju. Nice to have met you. I was thinking. Excuse me. Bye. Thank you. Ladies and gentlemen, मुझे अवार्ड मिलने पर वाकई बहुत खुशी महसूस हो रही है. मगर ये अवार्ड मिलने का सबसे बड़ा क्रेडिट, सबसे बड़ा श्रेय मेरे फादर श्री पुरुषोत्तम मित्तल जी को जाता है. इन्हीं के सिखाए और बताए रास्ते पर चलकर मैं आज तक यहां पहुंचा हूं. इन्हीं के असूल, इन्हीं की शिक्षा पाकर मुझे ये अवार्ड मिला है. मे आई रिक्वेस्ट बाबू जी, आप प्लीज स्टेज पर आए. कहते हैं बड़ा खुशनसीब होता है वो बाप जिसकी औलाद तरक्की करते करते उससे आगे बढ़ जाती है, और वो खुशनसीब बाप आज मैं हूं, और मेरा होनहार बेटा राजेश है. इस बात की तो बहुत खुशी है कि यह अवार्ड राजेश को मिला है, मगर इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि यह अवार्ड एक हिंदुस्तानी को मिला है. कहते हैं बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन. मेरी कामयाबी के पीछे भी एक औरत का हाथ है, जिसका प्यार, जिसका साथ, जिसकी मोहब्बत कदम कदम पर मेरे साथ रही, और वो और कोई नहीं, मेरी पत्नी स्मिता मित्तल. प्लीज कम ऑन स्टेज स्मिता. वेरी फॉर्चुनेट, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि स्मिता जैसी मुझे पत्नी मिली. मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे इनके जैसा पति मिला. आई एम प्राउड ऑफ माई हस्बैंड एंड हिज अचीवमेंट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मित्तल परिवार की दो आंखें, मेरी बेटी रिंकी और मेरा बेटा बंटी. हाँ मेरे बच्चों, Hold on. Okay. अब मेरी भगवान से प्रार्थना है कि हमारे परिवार को किसी की नजर न लगे. उससे मरते दम तक प्यार करती थी ना, उसने तुझे कब का बुला दिया. वो किसी और से प्यार करता है ना. वो तेरा पति था ना मेरा बाप, वो किसी और का पति है और किसी और का बाप. Your heart of cash. Hey, cash. Here you want it? Go on, take it. Take it, boy. Yeah. Hey, boy. Come on, take it. Yeah. Take it, boy. Come on. Need your wallet, dude. Come on. Take it, boy. Want your wallet? Come on. Take it. 10 people, 1 Indian. Not good. 2 Indian, 10 people. Very good. Thank you. Shera, Indian from London. Raj, Indian from India. Shukriya, bhai. Oye, bhai bhi bolta hai, shukriya bhi bolta hai. Aaja coffee peete hai.
ओए लले, तू अपने बाप का खून है। जब वो तुझे देखेगा ना तो झप्पी मार के मिलेगा तुझे। तेरा बाप बुरा आदमी नहीं हो सकता। तू कैसे कह सकता है? तू तूने जानता भी नहीं है। ओए भले मैं तेरे पे उन्होंने नहीं जानना है यार, लेकिन एक चीज जानता हूँ, तेरा बाप है ना हिंदुस्तानी है, और एक हिंदुस्तानी अपने खून के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। ओए गर्लसन, भले हम पैसों से अमीर नहीं है, लेकिन ये हमारा दिल है ना, दिल दिल बहुत अमीर है। आजा मैं तुझे एक किस्सा सुना दूं। आजा आजा, नहीं नहीं आजा 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 आजा, नहीं नहीं मेरी बात तो सुनना यार। उसका क्या कहना जिसकी तीने कमाई, सच्चा बंदा वो हुंदा जो जाने फिर बराई। सुन के विदेशी मत वाला हो गया, लंदन में इंडिया का प्यार दिलों में बसता, कैसे डूबेगा ये बंधन, ये है प्यार का रिश्ता। ओ मैंने जाने क्यों सोचा ये देश पर आया है, तेरी बातें सुन के मेरा दिल भर आया है। ओ तूने जाने क्यों सोचा ये देश पर आया, लगा मुझको के तेरा दिल भर आया है। रिश्ते नातों से बंधी है डोर ये जीवन की, मेरे इस जीवन पे मेरे भारत का साया है, भारत का साया है। ओ यार तेरा किस्सा तो निराला हो गया, लंदन में इंडिया का।
पूरब का पश्चिम में, पूरब का पश्चिम में उजाला हो गया। लंदन में इंडिया का बोलबाला हो गया, लंदन में इंडिया का बोलबाला हो गया। Going? क्या मैं शक्ल से आपको अंग्रेज दिखता हूँ? अरे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी बात करो। हिंदुस्तानी? चल मैं पंजाबी पूछना। ए बादशाह इधर किधर जा रहे हो? ए की पाजी? ए काका कार है मित्तल साहब दा। तो जाहिर उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। आ हा हा, आकर तो ऐसे दिखा रहा जैसे बंगले का मालिक हो। हैं जी समझ लीजिए पाजी। हैं जी हमें समझ लो। परमिशन है, अपॉइंटमेंट है? नहीं नहीं है तो नहीं मिल सकते। लेकिन पाजी मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, मेरा उनका रिश्ता आएगा। और जब से उन्हें बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला ना, हर हिंदुस्तानी ने अपना बिजनेस बना लिया उनसे रिश्तेदारी निकालना। रास्ता ना पो रास्ता। चलो ओ यार पीछे हट जाओ भाई, गाड़ी आ रही है यार। पाजी ये कौन जा रहा है? भाई कैसे रिश्तेदार हो, पहचानते ही नहीं। और मित्तल साहब तो हैं। अरे ओहो किधर सी पाजी। ओ नो यार, एक तो पैसा होना भी बड़ी प्रॉब्लम है। नए नए रिश्तेदार पैदा हो जाते हैं। मैं सारी उम्र रखवाली कर लूंगा बंगले की, मालिक नहीं बनूंगा, नेवर। Hi. Yes. May I help you? I'd like to see Mr. Mittal. I'm sorry, you cannot meet him. Is there... Hey man, you can go. Hey man, stay here. Relax. Relax. Yeah. I'm not going anywhere. Security. Secured. Security problem on the reception. Roger, there is security problem at the reception. Over. Hey man. Back off! Hey, hey! Excuse me! What's happening? What's happening here? Sir, he's trying to enter without permission. What's the problem? Here. Sir, main India se aaya hu. Aapse milne aaya hu, sir. To ye koi tarika thodi hai? Kaun hai aap? Sir, main Raju India se aaya hu. To? Aap... सर मैं मेघना सक्सेना का बेटा हूं। मेघना सक्सेना? जी सर। तो तुम मेघना के बेटे हो? जी। गुड, क्या नाम बताया? राजू। राजू, मेघना को मिले का अरसा ही हो गया। आज तुम्हें देखा बड़ी खुशी हुई। यू नो जब मैं इंडिया में था तो मेघना से बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। सिर्फ दोस्ती सर? हाँ, और इस बात को भी 24-25 साल हो गए, फिर उसके बाद मिलने का मौका नहीं मिला। मिलने का मौका नहीं मिला? ये कभी दिल ने चाहा ही नहीं? नहीं, कुछ हालात ऐसे हो गए थे। खैर मेघना कैसी है? मैं इस दुनिया में नहीं रही। I'm sorry. It's okay. तुम्हारे डैडी कैसे हैं? ठीक है, अच्छे हैं। क्या करते हैं वो? जो आप करते हैं। अच्छा, बिजनेस में है वो? जी। क्या बिजनेस है उनका? जो आपका है। Really? जी। नाम क्या उनका? जो आपका नाम है। आरपी मित्तल? जी। अरे क्या इत्तेफाक की बात है ये? है ना हाथ मिलाने की बात? यस। हाय डैड। हाय। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं है, आप मेरे पिता हैं। ओह, अच्छा तरीका ढूंढा पैसा बनाने का। गुड। देखिए मुझे आपके पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट है तो सिर्फ आप में। आप में बहुत होशियार हो। कहीं मैंने मान लिया कि तुम मेरे बेटे हो तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। वेरी स्मार्ट। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम मेरे बेटे हो? क्या सबूत है? ये देखिए। कितने कमीने आदमी हो, पूरी प्लानिंग करके आए मेरी जायदाद के लिए। अरे फोटो क्या दिखाते हो? मेघना को तो मैं जानता था। सर गौर से देखिए इस फोटोग्राफ को, मेरी शक्ल माँ से कितनी मिलती है। हाँ तुम्हारी शक्ल तुम्हारी माँ से मिलती है, लेकिन तुम्हारी शक्ल तुम्हारी माँ से मिलती है, मुझसे तो नहीं मिलती ना। आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। ये है मेरा बेटा, इसकी शक्ल मुझसे मिलती है लेकिन तुम्हारी शक्ल मुझसे नहीं मिलती है। अब डीएनए टेस्ट करा लीजिए। कोई ब्लड टेस्ट नहीं कराना, और अंदर मुझे मिलने की कोशिश मत करना। तुम जा सकते हो। थैंक यू सर।
देखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ। आपकी पूरी फैमिली है। अगर आप मुझे एक बार बेटा कहके बुलाएंगे तो मैं यहां से चले जाऊंगा। अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। मेरे लिए नहीं, मेरे माँ के लिए, उनकी आत्मा को शांति। ये क्या तुम बेवकूफों की तरह बातें कर रहे हो? क्यों मानूं मैं तुम्हें बेटा? ठीक, अगर आप जिद पर अड़े तो मुझ में भी आपका खून है, और एक दिन इस खून के रिश्ते को बाप बेटे का नाम देख कर ही रहूंगा। Come on, damn it, तुम ये तुम कर क्या लोगे? तुम कर क्या सकते हो? देखोगे, मित्तल साहब, अगर आपने मुझे अपना बेटा नहीं कहा तो मैं आपकी फैमिली की बुनियाद को हिला दूंगा। What the? अरे रॉबिन, मेरी इतनी सीरियस प्रॉब्लम है और तू हंस रहा है? अरे राजेश, तू बहुत भोला है, बहुत सीधा है। वो पैसे के चक्कर में आया कोई फ्रॉड है, उसके पास क्या सबूत है कि वो तेरा बेटा है यार? अरे वो कह रहा कि ब्लड टेस्ट करवाओ। और फिर सुन, मैं इस बात को इनकार भी नहीं कर सकता कि मेरे और मेघना के संबंध थे यार। अरे तो शादी क्यों नहीं की? बाबूजी के डर से यार। जब मैं हिंदुस्तान से आया था तो मेघना से वादा करके आया था कि आप पहुंचते ही मैं बाबूजी से शादी की बात करूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि बाबूजी ने पहले स्मिता से मेरी बात पक्की कर रखी है यार। और परसोत्तम मित्तल का फैसला कोई टाल नहीं सकता, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो आज इतने सख्त और गुस्से के तेज हैं तो 25 साल पहले क्या रहे होंगे दोस्त। इसी वजह से तो मैं खामोश हो गया, और वो खामोशी 25 साल बाद मेरी जिंदगी में शोर बनकर आई है यार। मुझे बता मैं क्या करूं यार, प्लीज हेल्प मी। अरे गलती से बात तेरे घर वालों को पता चल गई तो तेरी जिंदगी खत्म। स्मिता मायके चली जाएगी और दूसरी का बच्चा सुनकर तेरे बच्चे तुझे छोड़कर चले जाएंगे, और बाबूजी वो तो तुझे धक्के मार मार के घर से बाहर निकाल देंगे। सोसाइटी में तेरी इज्जत खत्म, तेरे शेयर मार्केट के प्राइस गए, पिछले हफ्ते तुझे बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, अगले हफ्ते तुझे फ्रॉड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा। तू बर्बाद हो जाएगा यार। रॉबिन, तू मुझे समझा रहा है या डरा रहा है? भाई तू जो मर्जी समझ ले, किसी तरह से उसे ढूंढ कर समझा बुझा कर वापस हिंदुस्तान भेज दे। ऐसा ना हो कि किसी दिन वो तेरे घर पहुंच जाए। मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ, बाकी तेरी मर्जी। उफ, क्या चाल है। Hi Dad. तू यहाँ क्यों आया? अगर बेटा अपने बाप के घर नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? Hi. कौन? इतना घबराइए मत। Don't worry. मैं आपकी फैमिली तोड़ने नहीं, फैमिली को ज्वाइन करने आया। और ये खबरदार तो मुझे डैड कहाँ? खबरदार। पिताजी? पिताश्री। My old man, बापू। अब्बा जान। ये अब्बा जान बोल के मेरी जान मत ले। और ये मैं समझ के अगर तू बोल देगा तो मैं मान जाऊंगा कि तू मेरा बेटा। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम मेरे बेटे हो? आपको सबूत चाहिए? यस। ठीक है, मैं आपको सबूत देता हूँ, लेकिन सबके सामने। दादाजी घर पे है वैसे? होंगे, क्यों? दादाजी, दद्दू, छोटी माँ, रिंकी, रिंकी। रिंकी, तुम इसकी बातों में मत आना, ये झूठा ही है। मगर ये तस्वीर तो झूठी नहीं हो सकती डैडी। शेम ऑन यू डैडी, आप शेम ऑन यू डैडी। नहीं रिंकी, मैं बंटी, तुम जो जैसे समझ रहे हो मैं वैसा नहीं हूँ। वही तो दुख है डैड, हम आपको जैसा समझते थे आप वैसे नहीं है। स्मिता, स्मिता, जो तुमने सुना ना, वो इसकी बात का भरोसा मत करना। पति को मैं देवता समझती थी, आज उस पर से भी भरोसा टूट गया है। अब किस पर भरोसा करूं? छोटी माँ, छोटी माँ, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, क्योंकि ये तो भरोसे के लायक रहे नहीं। इन्होंने आपको धोखा दिया और मेरी माँ इनकी वजह से। अरे एक तो आग लगा के। बाबा, बाबूजी, खबरदार जो मुझे बाबूजी कहा तो। बाबूजी, मेरा बेटा नहीं है, तो एक मुजरिम है, खूनी है। तूने सिर्फ इसकी माँ का नहीं, मेरे विश्वास का भी खून किया है, अपनी पत्नी के सुहाग का खून किया है, अपने बच्चों की ममता का खून किया है। और तू अच्छी तरह जानता है कि परसोत्तम मित्तल मुजरिम को कभी माफ नहीं किया करता, वो चाहे उसका बेटा ही क्यों ना हो। इसलिए आज के बाद तेरा हम से, इस घर से कोई संबंध नहीं। बाबूजी, इसका सामान उठाकर बाहर फेंक दो। है कितनी बेइज्जती, मत फेंको। अरे 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 अरे, मेरा गोल्ड बैग, अरे ये लो, महंगा है मालूम है? क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे भाई ब्रीफकेस ना, ये भी लो। माय गॉड, मुझे माफ करो। अरे अरे, मेरे कपड़े, अरे अरे, इतने एक्सपेंसिव कपड़े ये। अरे क्या कर रहा हो, ये क्या हो रहा है दादाजी? अरे स्मिता, अरे जूते नहीं। शुक्र करो जूते गिर रहे हैं, अभी पड़ नहीं रहे, वरना हरकत तो आपने जूते पड़ने वाली की थी। बूटा सिंह, तू भी देखिए, जब तक आप घर के अंदर थे आप मेरे मालिक थे, अब आप घर के बाहर हैं मैं आपको पहचानता नहीं, सिर्फ बड़े मालिक को पहचानता हूँ।
इसके बाद अगर आसपास भी दिखाई दिए तो ये डंडा देखा है? अरे बूटे, तू भी डंडा दिखा रहा है यार। फिक्र मत कीजिए डैड, हम लोग लंदन की सड़कों पर सेल लगाएंगे, बाय वन गेट वन फ्री। नींद में ऐसी हरकत तो इसी बात को इंडिकेट करती है कि कोई बात है जो इन्हें सता रही है, इन्हें डर है किसी बात का। क्या बात कर रहा है खन्ना, इसे किस बात का डर हो सकता है? ऐसी कोई बात इनके मन में है जो ये किसी को बता नहीं पा रहे। मगर आज तक इन्होंने कोई भी बात नहीं छुपाई है हमसे। It may be because of stress and workload, you know? नहीं, 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 नहीं। काम जरूरी है मगर मेरी नजरों में स्वास्थ्य हेल्थ ज्यादा जरूरी है। वो तो ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ टैबलेट दे देता हूँ, ये सुबह तक ठीक हो जाएंगे, लेकिन अभी इन्हें पूरे आराम की जरूरत है। थैंक यू डॉक्टर। बंडी जी, लाइट बंद करो। जी हेलो डैडी, सुना आपकी तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर साहब आए थे? कोई बात नहीं डैड, मैं कल सुबह आ रहा हूँ, अपने बड़े बेटे को देख के आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तुम्हें मेरा बेडरूम का नंबर कहाँ से मिला? हेलो हेलो, कहाँ से आ गया है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इधर क्या कर रहे हो? आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद यू डैड। अरे मैनेजर का पोस्ट और आप किसी आउटसाइडर को ले रहे हैं, जबकि आपके सामने आपका हुनर बेटा खड़ा है। ये कोई प्यून या कलर की नौकरी नहीं है, इसके लिए हाईली क्वालिफाइड इंसान की जरूरत है। और तुम हो कौन, तुम्हारे भाई क्या? हाँ, मेरे पास जो है ना वो इनमें से किसी के पास नहीं है। क्या मतलब? बाप का नाम, जैसे आप पुरुषोत्तम मित्तल के बेटे हो और आप ये सब संभाल रहे हो ना, वैसे मैं पुरुषोत्तम मित्तल का पोत, और इसलिए सब मैं संभालूंगा। ये तुम्हारा ख्याल है। थैंक यू सर, यू आर अ ग्रेट मैन, मेरी माँ आपको कितनी दुआएं देंगी सर। हो गया ठीक है सर। अरे ग्रेट मैन, आई गॉट द जॉब, मुझे नौकरी मिल गई, गो गेट आउट एवरीबॉडी, गो। नो थैंक यू सर, थैंक यू। अरे शट अप। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या आप मुझे घर लेके जाएं और पूरी फैमिली से मिलवाएं? अरे उनसे मिलवाना इतना आसान काम थोड़ी है। मैं अपने फैमिली मेंबर से क्या कहूंगा कि मैं वॉक पे गया था, वहां मुझे एक पप्पी कुत्ता मिल गया और मैं उसे घर पे ले आया। ठीक है, मैं खुद जाके मिल लेता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, बैठो बैठो। हाँ देखो, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। कितना वक्त चाहिए? यही समझो 20-25 साल। क्यों? अपने जाने के वक्त बता रहे मुझे? आपने मेरी माँ को 7 दिन का वक्त दिया था, मैं भी आपको 7 दिन का वक्त दूंगा, 8वें दिन मैं आपके घर पे। ठीक है तो फिर मेरे खाने का पीने का रहने का बंदोबस्त किसी अच्छे होटल में कर दीजिए। और सुनी, जरा 1000 पाउंड दो। अरे तूने मेरे घर को अनाथ आश्रम समझ रखा है जो तू उसे यहां ले आया? या तू समझ नहीं रहा है, उसने धमकी दी है मुझे कि अगर मैंने उसे जगह नहीं दी रहने के लिए तो सीधा घर पहुंच जाएगा वो। तो किसी होटल में ले जा उसको। अरे होटल में कैसे ठहरा सकता हूँ, सारी पेमेंट क्रेडिट कार्ड से होती है, बाबूजी को पता चल जाएगा मुझे घर से बाहर निकाल देंगे वो। यार तू कमाल करता है, तू उनका बेटा है उनसे डरता है, और मैं तो उनका लीगल एडवाइजर हूं, मुझे तो वो लंदन से निकलवा देंगे। सॉरी, मैं तेरे 2 नंबर के खाते को अपने घर में नहीं खोल सकता। ठीक है यार, कितने भरोसे के साथ आया था कि तू मेरी समस्या का कोई हल निकालेगा। ठीक है यार रॉबिन, ठीक है एक ही तो दोस्त है मेरा, तकलीफ में काम नहीं आया, लेकिन ठीक है यार ओके। देख तू मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत कर। नहीं यार ठीक है, लेकिन 7 दिन से ज्यादा नहीं रखूंगा। अरे थैंक्स रॉबिन। ठीक है शाम को भेज देना उसको। अरे भेज के देना, साथ में आया है। कहाँ? गाड़ी में। आजा। गाड़ी में? तू पागल है क्या? पागल तू इसने बना दिया मुझे। राजू कहाँ चला गया? ये घर चला गया होगा। अरे काश तेरी बात सच होती। अरे कहीं भी गया होगा, यहाँ से तो गया ना, चलो जान छूटी। इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाला डैड। ये डैडी वैडी नहीं बोलेगा, ये तुम्हारे अंकल हैं रॉबिन सिंह, और ये वो है राजू। हम राज मित्तल, नाइस टू मीट यू। राज मित्तल, अब तुम्हें इनके साथ ही रहना है, और मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन लेने आने में देर मत करना, वरना 7 दिन बाद मैं खुद घर पहुंचाऊंगा। कंट्रोल योरसेल्फ बॉय, कंट्रोल योर इमोशंस। क्या लेने के देने पड़ गए, एंड बिहेव योरसेल्फ। सी यू डैड, कम बैक सून। ये लो बैग उठाओ। क्या
मैं बैग उठाऊं? फिर किसी बेलबॉय को बुलाओ ना यार। बेलबॉय को बुलाऊं? क्या बक रहे हो? अरे होटल में रहेंगे तो काम भी खुद ही करना पड़ेगा क्या? ए भाई साहब, ये होटल नहीं मेरा घर है, समझे? और मुझसे तमीज से बात करो, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं, उसका लीगल एडवाइजर हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप मेरे इलीगल बाप के लीगल एडवाइजर हैं। ओ, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आजकल काम धंधा कुछ ठंडा चल रहा है क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे यार, इतने अच्छे घर को होटल बना दिया आप लोगों ने। ए, तुमसे मैंने कहा नहीं, होटल नहीं मेरा घर है, और तुम्हारे बाप के कहने पर मैंने तुम्हें 7 दिन के लिए यहाँ रखा है, समझे? एक और बात पूछूं मैं आपसे? पूछो। ये आपके सर के बाल नोचने से गए? सोनिया बेटी, लाओ। चलो। हाय राज, तुम? हाय सोनिया। हेलो हेलो हेलो, तुम एक दूसरे को जानते हो? बहुत अच्छी तरह से। डैड, मेरी इनसे मुलाकात हो चुकी है। अच्छा? एक बार एयरपोर्ट पे और एक बार अंकल के फंक्शन पर। और आज यहाँ इस होटल में, तुम यहाँ पे हाउसकीपिंग में काम कर रही हो? देखो बेटा, एक मिनट। ये होटल नहीं, ये घर है, मैं इसका मालिक हूँ, ये मेरी बेटी है, ये राज है, आज के बाद यही रहेगा, सिर्फ 7 दिन बस। चल चल राज, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। अरे हाँ, जरा 2 ग्लास दूध जरा जल्दी से ऊपर भेजना, क्विक। कम ऑन राज। 2 ग्लास दूध? दूध 2 ग्लास? ये है तुम्हारा कमरा, लेकिन एक बात बताओ, तुम यहाँ कैसे? हाँ, तुम्हारे डैडी के पास केस के सिलसिले में आया था, 7 दिन में उसका फैसला हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरा फैसला सुन लो। ये इसका कमरा है, इस कमरे में सिर्फ यही रहेगा, और तुम इधर नहीं देखोगी और ना तुम देखोगे, ओके? तो फिर ना दो के बाहर चले घूमने। आंखें प्यारी है, बातें प्यारी है, आंखें प्यारी है, बातें प्यारी है, पर सबसे प्यारा तेरा दिल है जो मेरे सीने में धड़कता है, धड़कता है। तुम बिन
अब गुजारा मेरे दिल का तू सहारा नहीं तुम बिन अब गुजारा मेरे दिल का तू सहारा तेरे प्यार का एक सावन है जो मेरे सीने में बरसता सबसे प्यारा तेरा दिल है जो मेरे सीने में धड़कता है धड़कता है ला 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 सो हु नोज मैन So, who cares? तेरी तो साले तुझे कितनी बार वार्निंग दी है जब तक पिछला पैसा नहीं चुकाता इस क्लब से कुछ उधार नहीं लेगा लेकिन तू फिर पहुंच गया इन लौंडियों के साथ हमारे मॉल पे मजे उड़ाने हा? बोला ना पैसा इंटरेस्ट के साथ दे देगा नहीं आज मांगता है आज मांगता है ये क्या कर रहा है छोटे तू इसमें यकीन क्यों नहीं करता जब ये कहता है कि चुका देगा तो चुका देगा अरे नहीं बड़के भैया ये साला हमें बेवकूफ समझता है साला हमारे माल पे शराब पीता है जुआ खेलता है नई नई लौंडियों के साथ मजे उड़ाता है इसका तो साले का साले एक मिनट बस एक मिनट रुक जाओ क्यों अगर मार दोगे तो पैसे कहां से मिलेंगे एक मौका और दो हाँ हाँ ये बात सही है इसका क्या है आज नहीं तो कल मार देंगे ए हीरो जी चले डाला हाँ अरे भाई साहब मेरी गेम खत्म नहीं हुई है विकी जब हाथ में बॉल ले ले तो गेम खत्म समझा ना चल दूर अरे आप हिंदुस्तानी हो ना तो देखिए हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में ये कहते हैं हम लोग कि पहले आप कहां से आ गए जो कह रहे हैं कि पहले मैं अबे कल्चर का लेक्चर हिंदुस्तान में देना चल बाजू हट अरे हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में एक और बात कहते हैं क्या कि पहले प्यार से समझाओ फिर शराफत से समझाओ फिर बात से समझाओ और जब समझ में नहीं आया ना से और फिर बात से अरे सब गिरा दिया विक्की अभी तक नहीं आया इसी रेस्टोरेंट का नाम दिया था ना तुमने जी रवि बस आता ही होगा डैडी ये आ गए अरे आओ विक्की आओ आओ ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे सोचा था हम कहीं और चले गए जीते रहो संभल कर आओ डैड पैर छूने के चक्कर में पैर खींच लेगा क्या बात है विक्की इतने दिन दिखे नहीं फंक्शन पे भी नहीं आए तुम अंकल दरअसल थोड़े काम में बिजी था मैं काम नहीं कामा सूत्रा लड़कियां घुमा रहा था बेटा तुम्हारे पिता और राजेश बहुत प्यारे दोस्त थे वो तो अब रहे नहीं मगर हम ये चाहते हैं कि वो दोस्ती का सिलसिला जो है वो रिश्ते में बरकरार रहे वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो अगर तुम हमारे परिवार में आ जाओ तो एक जवान हाथ मिल जाएगा जो हमारे कारोबार में हमारा हाथ बटा सकेगा और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी नहीं सर अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग सोचेंगे मैंने पैसे के लिए शादी की मैं अपने बलबूते पर कुछ करना चाहता हूँ इनकी तरह बनना चाहता हूँ हेलो आदरणीय पिताजी सादर प्रणाम मैं वहां पे आ जाऊं परिवार संपूर्ण हो जाएगा पिताश्री आप कहां से बोल रहे हैं मुंह से बोल रहा हूं मुंह तो घुमाइए अच्छा अच्छा ओके थैंक यू एक्सक्यूज मी जल्दी आएगा प्लीज यूज द मेंस रूम कम सून डैड तुम इधर क्या कर रहे हो उधर बात करेंगे उधर 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 नहीं तुम इधर क्या कर रहे हो आपका पीछा क्यों अरे कमाल है डैड बहन की शादी की बात चल रही है मैं भाई हूँ उसका आई वोंट मीट दैट मैन यू आर नॉट गोइंग देयर तुझे वहां ले जाओ और अपना डिवोर्स कराओ आर यू मैड देखो शादी में तो वैसे मिलाने वाले मुझे हाँ। पांच दिन हो चुके हैं सिर्फ दो दिन बाकी तो दो दिन बाकी है ना दो दिन बाकी है देखो बारिश की बात चल रही है प्लीज सर तुम यहाँ ओके ओके हु होम ओके बेस्ट ऑफ लक थैंक यू हेलो हेलो डैडी कल सात दिन पूरे हो जाएंगे
कल मैं सुबह 7 बजे आपके पूरे परिवार के साथ नाश्ता करने आ रहा हूँ। Excuse me. Trespassing is not allowed. ओ, ये फिर आ गया, कहाँ जा रहे हो? आज रोकना नहीं वरना सबको उठा उठा के पटकूंगा मैं। देखिए, जब मैं सुबह उठा था ना तो मैंने आईने में अपनी शक्ल देखी थी। मैं उसी वक्त समझ गया था कि कोई मुसीबत आने वाली है। मिस्टर मुसीबत, तुम अंदर जा सकते हो, फायदा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि घर में कोई है ही नहीं। कहाँ गए? देखो, बड़े मालिक तो गए अमेरिका और छोटे मालिक गए हैं हॉलीडे पे अपनी फैमिली को लेकर। हाँ भाई, मुझे क्या पता? क्यों नहीं पता तुम्हें? यार वो मेरे मालिक आए हैं, मैं उनका मालिक हूँ, बता के थोड़ा जाते हैं। अच्छा, कब तक आएंगे? यार फिर वही बात, नहीं पता। पहले माँ को छोड़ के भागे थे, अब बेटे को छोड़ के भागे हो। पता नहीं की बोली जा रहे है? क्या बात है बेटा, बाप का घर छोटा लगा या मेरा घर बहुत बड़ा लगा? बहुत अच्छा लगा जो वापस चले आए। वो अपनी फैमिली को लेके पता नहीं कहाँ चले गए। तो अब क्या करोगे? मैंने फैसला किया कि आज ही मैं हिंदुस्तान चला जाऊंगा। सॉरी, क्योंकि आपके बाप ने आपकी माँ से शादी की और आपको अपना नाम दिया। जिस आदमी मेरी माँ को स्वीकार नहीं किया, मुझे क्या अपनाएगा? हेलो, मैं रॉबिन बोल रहा हूँ। जरूर कोई मनहूस खबर सुनाने के लिए फोन किया होगा। क्यों, क्या किया उसने? अखबार में छपवा दिया या टीवी पे अनाउंस करवा दिया? ऐसा कुछ नहीं हुआ, तेरी मुसीबत इंडिया चली गई। तू सच बोल रहा है? हाँ, बहुत आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। उसको समझाया, जाया, ऊंच नीच का वास्ता दिया, तब जाकर बात उसकी अकल में आई। एंड नाउ इज बैक टू इंडिया। थैंक यू रोबिन, थैंक यू। अरे थैंक यू से कुछ नहीं होगा, और भी कुछ करना पड़ेगा स्पेशल। ऑफ कोर्स यार, एक काम को तू सोनिया को लेके सीधा यहाँ चले आ। अरे बहुत बढ़िया शराब पिलाऊंगा तुझे। कोई है? आराम करने आए हैं। सोनिया कहाँ है? सोनिया बाहर सामान निकाल रही है गाड़ी से। अच्छी शराब पिलाता हूँ। बोलो ना। अरे राजू, तुम उठो। ओए राजू उठो। डरा दिया ना मुझे। डर गई? अच्छा, आ मैं तुम्हारा डर मिटा दूं। तूने दोस्ती का हक अदा किया, मेरे रास्ते का कांटा निकाल दिया तूने। आ गले लग जा। निकाल दिया ना। हेलो डैडी, ये हलवा नहीं है, ये है जलवा। अरे मैंने क्या, बहुत बड़ा लॉयर समझता है अपने आपको। तेरा तो मैं लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। कल का बच्चा तुझे बेवकूफ बनाया गया? अरे जिस मुसीबत से डर कर मैं यहाँ छुप रहा हूँ, उसी को अपने साथ ले आया तू यहाँ? अरे आरपी, तू समझता क्यों नहीं, ये कोई मामूली लड़का नहीं है, जरूर किसी बदमाश शातिर और कमीने की औलाद है साला। मेरा मतलब, तू भी ऐसे ताने देगा मुझे? तू भी ऐसे देगा? यार मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। स्मिता और रिंकी बंटी सब यही है, कल को उसे मेरी पोल खोल डाली, तुम्हें मैं कहीं का नहीं रहूंगा यार। रॉबिन प्लीज हेल्प मी। तो पहले सोचना था ना बेटा, अब गलती हो गई मुझसे तुम्हें। मगर बेटा, अच्छा मैं कुछ करता हूं ना यार, यार कहीं मुंह बीच में घर में आ गया, बड़ी मुसीबत हो जाएगी। एज इट इज, मैं पहले हो तुम तो मैं पहला हूं, मौका है समझ जाओ कहता हूं, रिश्ते की लिहाज मैं करता हूं, ऐसा ना समझना कि करता हूं, जाएगी बात अब गोद में, तोलो ना तुम मुझे नोट में, समझो पापा प्यारे मेरे ये इशारे, वरना दिखाऊंगा मैं दिन में तुमको तारे। नहीं पैक, नहीं जरा, ना ही टेलेक्स या कंप्यूटर की फ्लॉपी, मैं तो मेरे पापा की कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी है। नहीं पैक्स, नहीं ज़ेरॉक्स, ना ही टेलेक्स या कंप्यूटर की फ्लॉपी। क्या हो रहा है ये सब? पापा, राजू भैया हमें कौन बनेगा करोड़पति खिला रहे। अरे सवाल 10 करोड़ का खेलो ना। नहीं, वायलेंट रिएक्शन। रॉबिन भैया, आप यहाँ बैठे ना। तुम्हें स्विंकी उस पिक्चर का नाम बताइए।
जिस फिल्म में अमिताभ बच्चन अपने बाप को तबाह ए दीवार बी त्रिशूल सी कालिया डी नटवरलाल त्रिशूल आई शो मिस रिंकी वेरी इसे लॉक कर दिया जाए एब्सोल्युटली तो कंप्यूटर जी बी त्रिशूल को लॉक कर दिया जाए ये बिल्कुल सही है मिस रिंकी आई एम सो हैप्पी आप जीत गए थैंक यू राजू भैया नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछिए नहीं 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 मुझसे पूछने दो मुझसे पूछना लेकिन हमारी अगली कंटेस्टेंट है स्मिता जी मैं जी कम ऑन मम्मी स्मिता जी क्या आपने बीवी नंबर वन देखी है देखिए अगर आप करिश्मा कपूर की जगह होती तो आप क्या करती ए डिवोर्स दे देती बी पति के दाल में जहर डाल के मार देती सी माफ कर देती डी घर छोड़ के चली जाती अगर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारे तीनों लाइफलाइन यूज कर सकती हैं 50-50 फोन अ फ्रेंड या ऑडियंस पोल फोन अ फ्रेंड यूज करना चाहती हूँ ओके किसको फोन करना चाहेंगे आप मैं अपने हस्बैंड राज को फोन करना चाहती हूँ ओके कंप्यूटर जी प्लीज मिस्टर आर पी मित्तल साहब को फोन लगाएं मित्तल साहब मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कॉल मेरे पास फालतू चीजों के वक्त नहीं है मित्तल साहब हम सबको मालूम है कि आप बहुत बिजी आदमी हैं लेकिन आपको थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ेगा अपनी पत्नी के लिए अगली आवाज आपकी पत्नी की आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है आपका समय शुरू होता है राज अगर मैं बीवी नंबर वन में करिश्मा कपूर की जगह होती तो मैं डिवोर्स देती घर से चली जाती उसके दाल में जहर डालकर मार देती या उसे माफ कर देती माफ कर देती ना माफ कर देती और क्या माफ कर देती स्मिता जी योर हस्बैंड इज अ वेरी फनी एंड अ कॉन्फिडेंट मैन स्मिता जी मुझे बताइए कि आप अपने पति के साथ जाना चाहेंगी या अपने होम पे कोई डिसीजन लेंगी क्योंकि अभी भी आपके पास दो लाइफलाइंस बची हैं 50-50 और जनता का वोट भाभी 50-50 आप बच गई स्मिता जी क्योंकि अगर आप अपने हस्बैंड के साथ जाती तो आप हार जाती क्योंकि माफ कर देती और डिवोर्स दे देती दोनों का जवाब है अब आपके पास बचे दो ऑप्शंस घर छोड़ के चली जाती या पति के दाल में जहर डाल के मार देती सोचिए सोचिए स्मिता जी क्योंकि इस खेल में टाइम की कोई पाबंदी नहीं है अभी जनता का वोट That's not a bad idea too. जनता का वोट It's a very good idea. बताइए जनता क्या कहती है कि स्मिता जी को घर छोड़ के जाना चाहिए या फिर अपने पति के दाल में जहर डाल के मार देना चाहिए चुप रहो साहब शट अप समय समाप्त होने की घोषणा खाना लगाओ अंकल सवाल 10 करोड़ का बंद क्यों हो गया बस मत कर चल खाना खा थोड़ी सी दाल नहीं मुझे नहीं चाहिए अरे आपने दाल नहीं ली ये तो आपकी फेवरेट दाल है नहीं मैं दाल नहीं खाऊंगा मैं पास्ता खा रहा हूँ ऐसा लगता है कि आपने दाल में कहीं जहर तो नहीं डाल दिया बेटा अरे ये नहीं तुम्हें पराठा ले लो तुम्हारी प्लेट बिल्कुल खाली है थैंक यू आज आपने मुझे मेरी माँ की याद दिला दी इतने प्यार से तो वो भी नहीं खिलाती थी तुम्हारी माँ कहाँ है इस दुनिया में नहीं रही ओह और तुम्हारे पापा मेरे पास में तुम्हारे पास पास से मतलब है कि इनके दिल के पास है दिल के पास है क्या करते तुम्हारे पापा अरे भाई वो घोड़ा चलाते हो टैक्सी चलाते हो कुछ भी बेचते हो तुम अरे अरे क्या है? आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो गुस्सा क्यों रिलैक्स बेवकूफ बात कर रही हो तब तो खाने दो तो ओके ओके टाइम होता सब कोई बात नहीं ऐसा करो जल्दी से खाना खा लो खाना खाना है सोना है इतना खाना ले लिया चलो कोई तुम भी बहुत बोल रहे हो यार तुम जल्दी खाना खाओ तुम्हें जाना है अरे लेकिन राजू जाएगा कहाँ कहीं भी जाए हमें क्या डैड राजू हमारे साथ आया था ना तो हमारी साथ ही रहेगा सो मैं किसी हरे घरे को अपने परिवार के साथ नहीं रख सकता हूँ कभी कभी छोटी छोटी बातें बहुत तकलीफ देती हैं स्मिता जी नहीं आपने मुझे अपनी माँ इनमें पिता और इनमें छोटे भाई पे नजर आए मुझे ऐसा लगा मुझे मेरी पूरी फैमिली मिल गई सॉरी सर एक्सक्यूज मी आंटी राजू को रोको ना डैड लंदन में भी राजू हमारे साथ रहता था ना वो क्या है ना कि इसके पिताजी और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं इसलिए रखना पड़ा अब क्या प्रॉब्लम है मम्मी बोलो ना हां जी बोलो ना तो बोलिए ना राजू कहीं नहीं जाएगा यही रहेगा ओके अंकल बताओ ना सवाल 10 करोड़ का क्यों बंद हुआ था अरे मुझे क्या पता बहन के टके चल खाना खा Yeah.
जाना मेरा चैन चुराना, चैन चुरा के मेरा दिल धड़काना, धीरे धीरे आना मेरा चैन चुराना, चैन चुरा के मेरा दिल धड़काना, दिल का है कमरा खाली मौज मनाना, दीवाना दीवाना दिल तेरा दीवाना रे, दीवाना दीवाना दिल तेरा दीवाना, धीरे धीरे आना मेरा चैन चुराना, चैन चुरा के मेरा दिल धड़काना, धीरे धीरे आना मेरा चैन चुराना, चैन चुरा के मेरा दिल धड़काना, दिल का है कमरा खाली मौज मनाना, दीवाना दीवाना दिल तेरा दीवाना रे, दीवाना दीवाना दिल तेरा दीवाना, हले हले आंख ये लड़ गई रे, होते होते बात ये बढ़ गई रे, हले हले आंख ये लड़ गई रे, होते होते बात ये बढ़ गई रे, बेईमान है ये मौसम कैसा शर्माना, दीवाना दीवाना दिल तेरा दीवाना रे, दीवाना दीवाना दिल तेरा दीवाना, चैन चुराना, चैन चुरा के मेरा दिल धड़काना, धीरे धीरे आना मेरा चैन चुराना, चैन चुरा के मेरा दिल धड़काना, दिल का है कमरा खाली मौज मनाना, दीवाना दीवाना दिल तेरा दीवाना रे, दीवाना दीवाना दिल तेरा दीवाना, आरपी। यप। आरपी, मैं बर्बाद हो गया यार। है? तेरे बेटे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। क्यों, क्या हुआ? आरपी, वो मेरी बेटी के साथ रोमांस के गाने गा रहा है, मोहब्बत कर रहा है, और ना जाने क्या क्या कर रहा है, और मेरी एक इकलौती बेटी, तू कुछ कैसी कर, बात यार? कर रहा तू रॉबिन यार, बंटी इतना छोटा, तू उसमें झूठा इल्जाम लगा रहा है? अरे वो बंटी नहीं, वो बंटा राजू। अरे रॉबिन, मैं खुद परेशान हूँ, वो बार बार धमकी देते रहता है कि वो सबके सामने सबूत पेश कर देगा, मैं क्या करूँ यार? आइडिया। क्या? हम उस सबूत को ढूंढ कर मिटा देते हैं। कैसे? आओ मेरे साथ। अरे जल्दी कर, जल्दी कर, कोई आना जाए। हा, सबूत मिल गया। क्या?
इसका इंग्लैंड का वीजा खत्म हुए 8 दिन हो चुके हैं। ओह तो क्या? तो इमिग्रेशन वाले अब इसको उठाकर यहाँ से हिंदुस्तान फेंक देंगे। रियली? लेकिन हम लोग क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है वो पुलिस वालों को करना है। अच्छा ऑफिसर, वीजा इज एक्सपायर्ड। यस। It's not fair. It shouldn't be this way. Peter, open the door. Officer, what is the problem? Yes, what is the problem? Gentleman's visa has expired. He has to leave the country. Oh! अरे रॉबिन, ये कोई जाना पहचाना बच्चा नहीं लगता? अरे वही लड़का जो कहता है कि मैं आपका बेटा और मेरी बेटी के साथ चक्कर लगा रहा हूँ। तो ये वो है? हंस लो। इतने दिन तुम हमारी हालत पे हंसे हो, आज हम तुम्हारी हालत पे हंस रहे हैं। क्यों? एक वो बाप था, अकबर बादशाह, जो अपने बेटे की खातिर नंगे पांव रेगिस्तान में खड़ा। और एक हम बाप है, बोलो। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्या करेगा तू? इंडिया जाकर पोस्टर छपाएगा कि मैं तेरा बाप हूँ, या कुतुब मीनार पे चढ़कर भोपू में चलाएगा कि मैं तेरा बाप हूँ? कुछ नहीं कर सकता ये। मैं इंडिया जाऊंगा और यूके का वीजा लेके वापस आऊंगा। अरे तुझे यूके का वीजा क्या, यूपी का वीजा भी नहीं मिलेगा। यूपी का यूके का वीजा लेके आएगा। अच्छा, मैं आरपी मित्तल का बेटा हूँ। Come on, let's go. आरपी मित्तल का बेटा बोल रहा है। Okay, this way. Yes. आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। क्या बात है? पर इस हॉलिडे ने मुझे बड़े मूड में हो तुम। इतना रिलैक्स कर दिया, मेरे सारे पाप धुल गए, मैं गंगा नहा के आ गया हूँ। Let's go in, my dear. दुख भर दिन बीते रे भैया, अब घर आयो रे। ठहरिए, किसे मिलना है? किसे मिलना है? क्या है बूढ़ा सिंह, थोड़े दिन हम बाहर क्या गए, हमें भूल गए? सर क्या है कि एक लड़का अपने घर में जबरदस्ती घुसने के चक्कर में है, मैंने सोचा आपके गेटअप में कहीं वो ना आ गया हो। अब कोई लड़का नहीं आएगा बूढ़ा सिंह, कोई नहीं आएगा। मम्मी डैडी देखो कौन आया है। आ रहे हैं। चलो। चिल्ला क्यों रहे हो, कौन आया अभी, हम भी तो देखे। राजू नमस्ते, हाउ आर यू? वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। तुम यहाँ कैसे? मैं लाया हूँ इसे। आपने? मैं पेरिस से लौट रहा तो देखा एयरपोर्ट पर वो लोग इसे डिपोर्ट कर रहे थे इंडिया। दादाजी क्या है? दादाजी मैं राजू। कौन राजू? दादाजी आप पुरुषोत्तम मित्तल साहब है ना? आरपी मित्तल साहब के पिताजी। हाँ? वो मुझे अपनी बेटी की तरह चाहते हैं, तो आप उस हिसाब से मेरे दादाजी हुए ना? और छोटी माँ भी मुझे अपनी बेटी की तरह चाहती है, और रिंकी और बंटी भी मुझे अपने बड़े भाई की तरह चाहते हैं, और रॉबिन अंकल सोनिया भी मुझे चाहते हैं। नहीं, मित्तल का बेटा जिसे अपना बेटा समझे, पुरुषोत्तम मित्तल के होते हुए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतनी तो अपनी यूके में धाक है, तो मैंने फौरन एम्बेसी फोन किया और इसका वीजा एक्सटेंड करा लिया। आपने इसका? पुरुषोत्तम मित्तल के होते हुए इंग्लैंड में किसी हिंदुस्तानी के साथ नाइंसाफी तो नहीं हो सकती, अभी तेरा इसका रिश्ता भी तो है। इसने सब कुछ बता दिया? बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, दादाजी ने खुद पहचान लिया। ओह जी, ये काम आपने बहुत अच्छा किया बाबूजी। डैड ही इज अ ग्रेट गाय। थैंक यू। कहाँ ठहरे हो? आते जाते रहना या फोन कर देना कभी कभार। कहाँ आते जाते रहना, ये यहीं रहेगा। ये इस देश में तुझ जैसा बनने आया है, तो तेरे साथ रहेगा तो कुछ बनेगा ना। क्या कहा था आपने कि यूके का, तो क्या यूपी का वीजा नहीं मिलेगा मुझे? अरे मुझे वीजा मिल गया, वो भी आपके घर का, और स्टैम्प मालूम किसका लगा है? दादाजी का स्टैम्प लगा है। हाँ, और आपने क्या कहा था कि कुतुब मीनार पर चढ़ जाना और भोपू लेके चिल्लाना? अरे अब तो मैं आपकी छत पे चढ़ जाऊंगा और चिल्लाऊंगा, सारी दीवार पे पोस्टर लगा दूंगा जब तक आप पूरी दुनिया के सामने ये ना कह दें कि मेरी माँ आपकी पत्नी थी और मैं आपका बेटा हूँ। दादाजी ये लीजिए, दादाजी सैगल और सुरैया के डुएट्स। अरे ये तुझे कहां से मिल गए? बस मिल गए। अच्छा बेटा, तुझसे बैठ के कभी बात करने का मौका ही नहीं। अभी बैठ जाते हैं। ये बता तेरे पिताजी कहां हैं? ये रहे। यहां तो कोई भी नहीं है। वो आपको नहीं दिखाई देंगे, वो सिर्फ मुझे दिखते हैं। क्या मतलब? लोग कहते हैं माँ के मरने के बाद वो हमें छोड़ के चले गए, लेकिन मुझे दिखाई देते जैसे कि ये। इधर तो बाबूजी यही है, मैं ही उन्हें देख सकता हूँ।
वो ही मुझे देख सकते हैं, बाकी उन्हें कोई नहीं देख सकता। इसका मतलब बहुत प्यार है तेरे दिल में उनके लिए। भगवान इसी प्यार करने वाली औलाद हर बाप को दे। जी। तू कितना छोटा था जब तेरे पिताजी तुझे छोड़ के चले गए? दादाजी मैं पैदा भी नहीं हुआ था। भाई भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। थैंक यू दादाजी, चलता हूँ। शुक्रिया। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप, शर्मिंदा मत कीजिए, मेरे बाप हैं। चुप। अपने बाप के जीते जी उसके बाप के सामने उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करा रहा है, क्या लगा रखा ये? अरे ये तो मेरी घड़ी, मेरी घड़ी तुम्हारी कलाई में कैसे? ये घड़ी अब मेरी है। तुम्हारे बाप की है ये? जी हाँ, छोटी माँ ने मुझे दी है। छोटी माँ ने मुझे दी, पता नहीं क्या जादू कर दिया उस पे। पर एक चीज याद रखो। क्या? अपनी कलाई में अच्छी घड़ी बांधने का ये मतलब नहीं होता कि तुम्हारा अच्छा वक्त आ गया। लेकिन इससे अच्छे और बुरे वक्त का पता तो चलता है। जैसे आपका वक्त बहुत बुरा चल रहा है, मेरा वक्त बहुत अच्छा, और ये तो सिर्फ घड़ी है। घड़ी घड़ी टाइम टू टाइम मैं इस घर से कुछ ना कुछ निकाल के जाऊंगा। क्यों? टाइम पास, टाइम पास। कितना कमीना इंसान है ये, कमीना इंसान। बेटा किसका? मेरा वाकई बुरा है। अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं, इतना बड़ा सिंगर एक्सरसाइज कर रहा है। डैड मेरे गाने से सख्त नफरत करते हैं। इंग्लिश में सुनाया होगा है ना? अब मैं काम करता हूँ, हिंदी में गाना लिख के सुनाता हूँ, वो सुना वो तुम्हें गले लगा लेंगे। जल्दी लिखो, मैं अभी सुनाता हूँ। अरे ठीक है। ये नाश्ता कब से लगा ये बंटी कहाँ है? डैड मुझे खाना नहीं, मुझे गाना सुनाना है। ओफो, कितनी बार तुमसे कहा है कि मुझे तुम्हारा गाना नहीं सुनना। डैड प्लीज कम इन अराउंड हियर, कम इन अराउंड हियर। क्या कह रहा है, सुन लीजिए ना। अरे सुनना क्या है ये? अरे सुनना क्या हो गया तुझको, चल बेटा गा। ठीक है सुनो। एक रानी थी, क्या हंसी उनकी जिंदगानी थी। एक राजा था एक रानी थी, क्या हंसी उनकी जिंदगानी थी। राजा ने की जवानी में ऐसी खता, मिली उसको बुढ़ापे में उसकी सजा। तो क्यों रिकी मार्टिन गाना गाया? अरे छोड़ यार, पहली बार गाना गाया तो गिटार तोड़ दिया, दूसरी बार गाऊंगा ना तो मुझे तोड़ देंगे। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, ये बहुत गहरी साजिश है तेरे टैलेंट को कुचलने की। कैसी प्लानिंग? देख अगर तू सिंगर बन गया तो कौन इस मित्तल कंपनी में फ्री फंड में काम करेगा? ओह माय गॉड, अभी मुझे पता चला। लेकिन मैं क्या करूं? फाइट कर तू। नहीं यार, डैड को मारते हुए अच्छा नहीं लगेगा। अरे वैसी फाइट नहीं, हक की फाइट। ये देख घर देख, इसमें तेरा भी हिस्सा है ना? हाँ अपना हिस्सा ले, निकल जा, एल्बम बना उस पैसे से। लेकिन मैं हिस्सा किससे मांगूंगा? अरे कोर्ट का दरवाजा खटखटा। डैड नाराज हुए तो? अरे ये मत सोच के जो आदमी तेरे साथ लड़ रहा है वो तेरा पापा है, दुश्मन है तेरा, राजेश मित्तल। बोल राजेश मित्तल, मुझे मेरा हिस्सा दे। राजेश मित्तल प्लीज मुझे मेरा हिस्सा दो। लॉलीपॉप मांग रहा है? नहीं, फिर ललकार के बोल। ओके राजेश मित्तल मुझे मेरा हिस्सा दो। अब उसमें से मित्तल निकाल दे। राजेश मुझे मेरा हिस्सा दो। उसमें से मित्तल निकाल दे। राजेश मुझे मेरा हिस्सा दो। दे दे। हिस्सा मांगता है? हाँ। म्यूजिक एल्बम बनाएगा? हिस्सा ले चाहिए। वो लोग का पट्टा हिस्सा मांगता है। आज उस राजू की वजह से मैंने बंटी को बहुत बुरी तरह पीटा रॉबिन। अरे आज बंटी ने बगावत किया, अगर तूने इसका जल्दी इलाज नहीं किया तो कल को पूरा परिवार बगावत करेगा। अरे उससे पहले जान से मार डालूंगा इस कमीने को। ये हुई ना मर्दों वाली बात, बस इसका यही एक इलाज है। नहीं यार ये तो ऐसे मुंह से निकल गया, मैं थोड़ी ना ऐसा काम कर सकता हूं। अच्छा तू नहीं कर सकता तो मैं कर देता हूं। मतलब ये कि मेरे ऐसे दो तीन क्लाइंट हैं जो पैसा लेकर सब कुछ करने को राजी हैं। ये भी कैसी बात कर रहा है तू रॉबिन, मैं उसे अपनाऊं या ना अपनाऊं वो है तो मेरा बेटा यार, मैं उसे जान से नहीं मरवा सकता यार। No. अरे जान से मरवाने की बात कौन कर रहा है, बस हाथ पांव तोड़वाएंगे वो घबरा कर खुद ही भाग जाएगा। नहीं यार मुझे ठीक नहीं लग रहा है सब। अरे मेरे दोस्त उसकी वजह से दो घर बर्बाद हो रहे हैं, एक तेरा और एक मेरा। वो कैसे? वो ऐसे कि उसने मेरी इकलौती बेटी को फंसा लिया है, अगर जल्द से उसका इलाज नहीं किया तो मुझे मेरी बेटी से हाथ धोना पड़ेगा और तुझे अपनी पूरी फैमिली से। तू मुझे एक उसका एक फोटो ला दे। फोटो?
मेरी फैमिली में घुसने का बड़ा शौक है ना तुझे। अब देख कितनी सफाई से मैं तुझे अपनी फैमिली से अलग करता हूँ। जस्ट वेट। ये देख कितनी अच्छी लग रही मेरी फैमिली तेरे बगैर। बंटे कमिंग डैड। यस डैड। ये तस्वीर जाके रॉबिन अंकल को दे आ। अरे ये तो राजू भैया की है ना। लेकिन किसी को बताना नहीं, राज की बात है। ओ फैमिली सीक्रेट। ओके ओके यस। कहाँ जा रहे थे टेंशन में? वो रॉबिन अंकल क्या? क्यों ये मैं आपको नहीं बता सकता, एक राज है, फैमिली सीक्रेट। अबे मैं थोड़ी कोई गैर हूँ, मुझे बताने से राज राज ही रहेगा। अगर मैंने आपको बता दिया कि डैड ने मुझे आपकी फोटोग्राफ देकर रॉबिन अंकल के घर पे भेजा है तो मुझे मार डालेंगे, मुझे फिर से मारेंगे। मेरी फोटोग्राफ? हाँ दिखा। ये देखो। अबे तू कितना बड़ा बेवकूफ है। क्यों? इतना बड़ा राज तू खुलम खुला लेके जा रहा है। इसको मैं तुझे पैक करके देता हूँ लिफाफे में। राजू भैया आप कितने अच्छे हो, आपने मुझे फिर पिटने से बचा लिया। थैंक यू बोल। थैंक यू। चलो इसे इतना मारना कि लंदन छोड़कर भाग जाए। ये? इसे मारना है? अरे तू इसे नहीं जानता, बहुत कमीना आदमी है, मेरी बेटी के साथ इश्क लड़ा रहा है। ये? हाँ उसके साथ चिपक चिपक के गाने गाता है। ये? हाँ मेरी बेटी के साथ शादी करना चाहती है। क्या आपकी बेटी अंधी है? हाँ नहीं, इसके इश्क में अंधी हो गई है। देखो मेरी बेटी को बचा लो और ये लो 5,000 तुम्हारी फीस। पाउंड। ऑलराइट। What are you doing? You're trying to act too smart. You're pushing me. Excuse me. You pushed me, young man. You pushed me. I pushed you? Of course you did. Are you sure? Come on. Yes. What are you? Hello, Daddy. एक बाप है जो अपने बेटे को पिटवाना चाहता है और एक बेटा है जो अपने बाप को पिटते हुए नहीं देख सकता। अब देखो आपका कमीना बेटा क्या करता है। ए गोरे आजा। तुम लोग क्या सर के निर्मा से नाते क्या? What do you mean? Stay out of this. डैडी ये तो बहुत मारेगा। क्यों? Hey, you stay out of this. Okay. I want him. Yeah. What do you want? You want him? You gotta go through me. He's my father. राजू छोड़। नहीं दादाजी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। दादाजी इसे सिर पे हाथ उठाया। अरे गलती से हाथ उठाया, मेरा मतलब ये मुझे मारने नहीं आया था। फिर किसको मारने आया था? ये किसी को मारने नहीं आया था बाबूजी। हुआ ये कि ये मुझे पैसे लूट रहा था। रहने दो, ये तो आपके ऐसी धुलाई कर रहा था। क्या मिनट ये ऐसे नहीं बताएगा, छोड़ो। हे हाउ मच मनी यू गॉट फॉर डूइंग दिस जॉब? आप छोड़िए ना बाबूजी। क्या सर बोल? 5,000 pounds. 5,000 pounds? Okay, I'll give you 10,000 pounds. तुमको भेजा किसने था? बाबूजी खामा खा दिया। चुप रहो वरना मारूंगा भी। Who sent you? Robin Singh. Robin Singh? आपका जिगरी दोस्त सर? मेरा लॉयर? तो what I was like to say? Hey, क्या कर रहे हो? हरामखोर। खाता मेरा है और मेरे बेटे पे हमला करवाता है। नहीं। दादाजी ये तो सिर्फ मोरा है, खिलाड़ी तो कोई और है। तुम भी चुप मत बोलो, वहाँ खड़े रहो। जाओ दादाजी इनसे ये तो पूछिए कि वो कौन है। ए, कौन है वो? मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। बोल। बोल। मैंने इसे भेजा जरूर था लेकिन राजू को मारने के लिए। हा? मुझे मेरी क्या दुश्मनी? मैं समझ गया, मैं सब समझ गया। ये सब इसी ने किया है, इसी ने किया। बाबूजी क्या हुआ? ये इसकी बेटी को चाहता है और इसकी इसको चाहती है, लेकिन ये नहीं चाहता कि राजू उसका दामाद बने। मैं सब समझ गया उसकी चाल। ओके बस इतनी सी मामूली बात के लिए तू उस मासूम की जान लेना चाहता है? पर एक बात कान खोल के सुन ले, राजू मेरे पोते की तरह है। अगर सोनिया और राजू एक दूसरे को चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उनको अलग नहीं कर सकती। दादाजी यहां तक कि तू भी नहीं कर सकता, तेरा बाप भी नहीं कर सकता। दादाजी दादाजी
एक हफ्ते से पता नहीं कहाँ छुपा के रखा है इन्होंने सोनिया को। जरा पूछिए तो सही कहाँ है। नहीं कहाँ है, कहाँ है? बोलता है मार खाएगा। अबे सीजर शॉपिंग मॉल में। हाय सोनिया, किससे बात कर रही हो? तुमसे मतलब डैड, आई कॉल यू बैक। अब सॉरी। छोड़ो मेरा हाथ, ना फोन ना कुछ, अब सामने हो तो प्यार जता रहे हो। देखो सोनिया, मैं यहाँ पे बहुत जरूरी मकसद से आया हूँ। तो ये जरूरी मकसद खत्म हो जाए तब मिलना, ओके? अरे क्या हुआ तुम्हें? Don't touch me, I said. अरे but why are you behaving like this? Leave me alone. हाँ but I said leave me alone. सवाल के यार but कौन है? ओए राजू यार, तुम मेरे ऊपर गिर गया। I'm so sorry. It's okay. आपको मैं आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? हाँ बोलिए ना। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ी अंदरूनी मार है, लेकिन जब से आपने हाथ पकड़ा है वो भी ठीक हो गया। वैसे आप तो काफी हैंडसम है। ओए इतनी तारीफ मेरी माँ ने भी नहीं की है। शेरा आप बोल नहीं यार। क्या क्या? ओए एक मिनट यार, तुझे ये काम है, शॉपिंग कर ले यार, तू उठे शॉपिंग। आइए आइए। शेरा आप इसी शहर में रहते हैं? हाँ, और आप? मैं भी इसी शहर में रहता हूँ। अरे दोनों एक ही शहर में और कभी पहले नहीं। कमाल है यार, कमाल है। शेरा मेरी बात सुन। एक मिनट सुन यार, तुझे जो कुछ भी मुझे कहना है वो तू मुझे कल बोल दे, अभी मैं बिजी हूँ यार, बिजी हूँ। आइए आइए शेरा। अरे ये कौन है यार, बार बार आके डिस्टर्ब कर रहा है। आप इसकी चिंता मत कीजिए और मुझे टेलीफोन नंबर दे दीजिए। टेलीफोन नंबर क्यों, आप कार्ड ही रख लो, प्राइवेट है, जब भी मन चाहा फोन कर लेना, ठीक है? तो मैं चलूं? नहीं नहीं जाइए जाइए, मैं आपसे फोन पे बात कर लूंगा। ओके 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 बाय बाय। पड़ गई ना? ओ तो यार। अबे ये सोनिया है, मैं उससे प्यार करता हूँ, ये मुझसे प्यार करती है, कुछ दिनों से फोन नहीं किया तो नाराज, इसलिए मुझे जलाने के लिए अपना नंबर तुझे दे गई है। हे भगवान, कितना बड़ा पाप कर रहा, पहले क्यों नहीं बताया यार? अबे शेरा, आप बोलने का मौका तो दिया होता, कभी कॉफी कभी साउथ हॉल। ठीक है यार, तू जा यार, जा यार। मेरी बात सुन। क्या तू इसे सच्ची प्यार करता है या मेरा पत्ता कट करने के चक्कर में था? माँ की कसम शेरा, जा यार, जा यार, तू यार जाना यार, जा जा जा। ये दीदी नजर, ये दीदी।
तो क्या कर रहा है? चेहरा पड़ रहा है या तोड़ रहा है? क्या कर रहा है? मैं आपको तीन पॉइंट बताऊंगा आपके बारे में। हाँ बता। पहला पॉइंट ये है, जो आपकी दौलत है ना, ये आपकी खुद की दौलत है। हाँ तो तू क्या समझता मैं चुरा के लाऊं? नहीं दादाजी, मेरा मतलब ये कि आपकी दौलत आपके बाप दादा ने आपको नहीं दी, बल्कि खुद आपने मेहनत से कमाई। वाह वाह वाह, ये सबको मालूम है, कोई नई बात कर रहे। राजू इनका फेस रीड करो। श्योर एनी टाइम। सर मौका तो दीजिए ना, आपके चेहरे की ज्योग्राफी पढ़कर आपके कल आज और कल का चिट्ठा एक सेकंड में खोल दूंगा। मेरा कल सबको पता है, आज पे भरोसा है, और कल जो होगा कल देख लूंगा। दादाजी डर गए, शायद इनके मन में कोई चोर है। नहीं नहीं, कोई चोर और नहीं है। नहीं? मेरे बेटे का मन एकदम मायने की तरह साफ है। अच्छा? राजू श्योर रीड करो ना। अरे अरे अरे, आइए ना सर, आइए ना, आइए ना, मौका दीजिए सर। अरे क्या बाबूजी, आप भी, इसे क्या पता? हाँ अरे दादाजी, अलादीन का चेहरा पता किया आपने? अनु का बच्चा है दादाजी, बिजनेस आसमान छुएगा, दौलत कदम चूमेगी। दादाजी इनके लाइफ में तीन बच्चों का योग है, एक लड़की और दो लड़के। कंग्रेचुलेशंस कंग्रेचुलेशंस। अरे बेटा काश ऐसा होता, एक पोता और होता तो मेरा बिजनेस संभाल लेता, तुम्हारे बंटी से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ओह माय गॉड। दादाजी एक बात मैं इनको अकेले में बताना चाहूंगा। अकेले में क्यों भाई? दादाजी बात ही कुछ ऐसी है। मैं तो उनकी पत्नी हूँ, मुझसे क्या छिपाना? और मैं बाप हूँ, मुझसे कुछ नहीं छुपाना, सब बोल। छुपाने वाले अपने आप से ही बहुत कुछ छुपा लेते हैं, है ना? गोल मोल नहीं साहब, बोलो। लेकिन फिर भी अगर आप इंसिस्ट करते हैं तो बता ही देता हूँ। सॉरी सर, पता नहीं था। हौसला रखिए, घबराइए मत। इनकी लाइफ में तो औरतों का प्यार है। ये क्या सुन रही हो? क्या बकवास सुन रही हो? किसकी बात का यकीन कर रही हो? अगर ये कल कहेगा कि ये मेरा बेटा है तो तुम क्या मानोगी? मैंने पहले ही कहा था इसे कुछ नहीं आता। बुरा मान गए, चेहरे पे जो देखा था वही मैंने कहा। I'm sorry छोटी माँ, चेहरा कभी झूठ बोलता नहीं है। बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? वो उल्लू का बेटा कुछ भी बोल देगा। तुम वाले अपने पति पे भरोसा नहीं था, उसका क्या हुआ? सच सच बताओ कि तुम किसी दूसरी औरत से प्यार करते हो? अब मैं क्या दिल चीर के तुम्हें दिखा दूं, हनुमान बन जाऊं? हनुमान नहीं, अपने बच्चों की कसम खाकर मेरा शक दूर कर दो। देखो सीमिता, अगर मेरे मन में खोट हो ना तो मैं झूठी कसम भी खा सकता हूँ। क्या क्या कहा तुमने? तुम झूठी कसम खा सकते हो? हाँ। अरे रुको तो, मैं तुम मिसाल दे रहा था डार्लिंग, मिसाल दे रहा था कि कोई भी गलत आदमी झूठी कसम भी खा सकता है। गलत आदमी झूठी कसम खाने से नहीं डरता। अगर बाबूजी और बच्चों का ख्याल नहीं होता तो मैं ये घर छोड़कर चली जाती, मगर इस वक्त मैं एक कमरा छोड़कर जा रही हूँ। अरे नहीं स्मितन। हेलो डैडी, अभी तो सिर्फ कमरे अलग हुए, उसके बाद बंगले अलग होंगे, उसके बाद शहर, उसके बाद देश। अरे छोटी माँ चली गई तो क्या हुआ? आपका बड़ा बेटा ना आपके साथ सोने के लिए। अच्छा आपको कोई लोरी वोरी आती है? फॉर एग्जाम्पल, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू, राहु है तू, केतु है तू, मेरी खुशियों का हथियारा है तू। अरे जिंदा क्या मर गया? बहुत अच्छा लगा, जरा फिर से एक बार सुनाई ना। क्यों मेरे पीछे पड़ा है तू? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग ग्लोरिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नौकरी सर। नौकरी? क्या पकड़े हो? सर आज से मैं आपका पीए हूँ सर। पी के आए हो? नहीं सर, मैं तुम्हें प्यून नहीं रखूँ, प्यून मालूम है सर। गेट आउट ऑफ हियर। बेटे को आप प्यून कैसे रख सकते हैं? ये ग्लोरिया की जगह में कैसे आए? अब तुम ऑफिस में क्या कर रही हो? मैंने इसे अपॉइंट किया है। राजू। यस मैम छोटी माँ। बिल्कुल आप ही की तरह है, आप बहुत खुश होंगे इसे। बिल्कुल आप ही की तरह चलता है। कल से लंगड़ाऊंगा। मैं भी। बिल्कुल आप ही की तरह बोलता कल है। कल से हकलाऊंगा। मैं भी। आप जैसे राम जी की पूजा करता है। अरे बाबा कल से हनुमान जी की पूजा करूंगा, लेकिन रावण। बिल्कुल आप जैसी आदतें हैं, एकदम कार्बन कॉपी। अब होगा ही, है तो मेरा ही कॉपी ना। क्या? रहने दे, मेरा मतलब था कि मेरी कॉपी करता नहीं ये। वही तो मैं भी कह रही हूँ ना, बहुत अच्छा लड़का है, आप रख लीजिए। अच्छा बाबा रख लेता हूँ, तुम जाओ। थैंक यू। थैंक यू। जाओ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू छोटी माँ। अरे फोन साइलेंट पे क्या? लाइट दिख रही मुझे। हेलो जी, वो अभी भी निकली?
जिम हार पे मित्तल सर को बड़ा बेटा बोलो। आप बोल रहा ऐसी कोई बात नहीं। फाउंड डेड है, बिल्कुल आपकी दिल की तरह। ये आखिर तू क्या चाहता है, क्या चाहता है क्या? मैंने आपसे कहा था ना इसी कमरे में कि मैं आपकी फैमिली की बुनियाद हिला दूंगा, सो हिला दी। ये तुम्हारा वहम है समझे, तुम इस ऑफिस के नौकर हो तो तुम्हारी जगह वहां है, वहां जाके काम करो। अच्छा ये आपका वहम है, मेरी जगह ये है। जब तक मैं जिंदा हूं ये जगह मेरी है, गेट इट? मैं कभी आपको कुछ होने नहीं दूंगा डैड। कितना कमीना इंसान है, कमीना इंसान है ये, है ऊपर वाले, इतनी छोटी सी भूल के लिए इतनी बड़ी सजा, ना इंसाफी है ये। रहम खाइए, रहम खाइए, वरना वो हंसता रहेगा और मैं रोता रहूंगा। ये सब बाबूजी का किया हुआ है। बाबूजी ने राजू का वीजा बढ़वाया था, अब वीजा खत्म हो रहा है तो एम्बेसी ने फैक्स किया है कि पैसा जमा करो और वीजा एक्सटेंड करो। ये फैक्स एम्बेसी से नहीं आया, ऊपर वाले ने भेजा है। तूने किसी को दिखाया तो नहीं ये फैक्स? नहीं। अरे फाड़ के फेंक दे, कल पैसा जमा होगा नहीं, इल्लीगल इमिग्रेंट साबित हो जाएगा। मैं पुलिस को फोन करूंगा और लंदन की पुलिस उसको धक्के मार मार के लंदन से हिंदुस्तान भेज देगी। Really? अपने हाथों से बार 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 माल का लॉयर तू इतना रोबिन। आरती खत्म होने आ रही है, तो पुलिस ही नहीं आई। Why so late? You're looking for Mr. Raju? Yes. He's there, he's there. Hello, welcome to temple. Mr. Raju? Yes, आपका वीजा एक्सपायर हो चुका है। और हमारे पास आपको इसी वक्त डिपोर्ट करने का ऑर्डर है। क्या? लेकिन बाबूजी ने तो राजू का वीजा एक्सटेंड करवाया था। जी नहीं, उसका एक्सटेंशन पीरियड खत्म हो चुका है। इस बात की खबर आपको पहले देनी चाहिए थी। मैडम हमने आपके ऑफिस में फैक्स किया था लेकिन आपके ऑफिस से अब तक कोई जवाब नहीं आया। क्या कहा? वीजा का एक्सटेंशन का फैक्स मेरे ऑफिस भेजा और मुझे ही खबर नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है? स्मिता, ऐसा कौन सा कमीना इंसान होगा जो नहीं चाहता कि राजू मेरे साथ लंदन में रहे? है तो मेरे बेटे जैसा ही। क्यों राजू बेटे, अब तू लंदन छोड़ के चले जाएगा तो मैं तुझे बहुत मिस करूंगा, मैं बहुत रोऊंगा, फूट फूट के रोऊंगा। राज, कोई तो तरीका होगा ना? अरे कौन सा तरीका, कैसा तरीका? एक तरीका है। कौन सा तरीका है? वो तरीका। ये क्या कर सकती हैं? कर नहीं सकती हैं, करती हैं। प्यार मुझसे और मैं इनसे। ब्रिटिश पासपोर्ट? हाँ। अब वीजा की कोई जरूरत नहीं है, अब तो मेरा पासपोर्ट आएगा और वो भी ब्रिटिश। इनका ख्याल है। ले रहा हूँ ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए। पाइला गू। नमस्ते। एक्सक्यूज अस प्लीज ऑफिसर, ही इज नाउ लीगली माय हस्बैंड और यूके के लॉ के मुताबिक इन्हें अब इस देश से कोई नहीं निकाल सकता। एंड नॉट इवन हिम। छोड़ी खनकाई रे
चूड़ियों का रंग अच्छा लगता है, तेरी मेहंदी का रंग पक्का लगता है, लाखों में तू एक सनम हो, सच्चा लगता है, ओए सच्चा लगता है। चूड़ियों का रंग अच्छा लगता है, तेरी मेहंदी का रंग पक्का लगता है, लाखों में तू एक सनम हो, सच्चा लगता है, ओए सच्चा लगता है। सिंगार हम जुराएंगे, आज हद से गुजर जाएंगे, अरे 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 बिंदिया चमकाई रे, बोलो कैसा लगता है, हो मेहंदी रचाई रे, बोलो कैसा लगता है, तेरी बिंदिया का रंग अच्छा लगता है, तेरी मेहंदी का रंग पक्का लगता है, लाखों में तू एक सनम हो, सच्चा लगता है, ओए सच्चा लगता है। उस पे तन्हाइया लाई नजदीकियां, मिट गई दूरियां, तेरा ये सिंदूर है नसीब अपना, पूरा किया रब ने मेरा सपना, आरे 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 चुनरी लहराई रे, बोलो कैसा लगता है, चुनरी का रंग अच्छा लगता है, तेरी मेहंदी का रंग पक्का लगता है, लाखों में तू एक सनम हो, सच्चा लगता है, ओए सच्चा लगता है। किधर है साला? ओए आ चला गया किधर बे? ओहो ये ये अरे अरे इसी छोटे मजे लूट रहा है, हर बार नया माल। गॉश क्या है रे तो उठ क्यों बे? हमसे कर्जा लेके अय्याशी कर रहा है तू? जुआ खेलता जुआ। अबे हमारा पैसा कभी लौटाएगा? अरे 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 छोटे ये क्या कर रहा है, क्यों मार रहा है? शरीफ आदमी भी अरे बहुत हरामी आदमी, हमारा फोन तक नहीं उठाता साला। हैं हां ये बात तो सही है। अबे फोन क्यों नहीं उठाता? क्यों नहीं उठाता फोन?
तुझे क्या लगता है कि अगर तू हमारा फोन नहीं उठाएगा तो हम अपना पैसा भूल जाएंगे? भूल जाएंगे अपना पैसा? दे दो पढ़ के भैया। शाबाश, बहुत हो गया, तुम्हारा कर्ज अदा कर दूंगा। कहाँ से अदा करेगा बे? अब कह रहा है कि अदा कर देगा तो अदा कर देगा। अरे लेकिन कहाँ से अदा करेगा पढ़ के भैया? हाँ लेकिन ये भी सच है, इसका तो बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ है। इसलिए तो बोलता हूँ गोली मार दो साले को, इसका भी टेंशन खत्म, अपना भी टेंशन खत्म। एक मिनट चल अंदर रख। आर के मित्तल का नाम सुना है? हाँ। उसकी बेटी से मैं शादी करने वाला हूँ। अबे हम तुझे कर्जा देते हुए 10 बार सोचते हैं और आर के मित्तल तुझे बेटी दे देगा? लेकिन नहीं है, चल के देख लो। चल के देखते हैं। चलो लेकिन बेटे ये तेरा लास्ट चांस है। हाँ। विक्रम बेटा तुम्हारे अंकल को पहले कभी देखा नहीं? दादाजी अंकल साउथ अफ्रीका में रहते हैं। हाँ। मित्तल साहब हमारा तो ऊपर वाले के करम से बड़ा अच्छा बिजनेस है, मैं तो चाहता हूँ कि विक्रम भी वहां शिफ्ट हो जाए। अब इसका यहाँ है कौन? हम लोग हैं ना इसके, बस इसे दामाद नहीं बेटा समझेगा। हाँ हमारे बेटे जैसे ही तो है। देखिए मित्तल साहब, हम चाहते थे कि अब यहाँ आए हैं तो विक्रम की शादी करके ही जाएं। कितने दिन हैं आप लोग यहाँ पर? यही कोई 15-20 दिन। 15-20? ये तो बहुत कम दिन है। देखिए शादी तो करनी है, अभी करें या बाद में? तो फिर अभी क्यों नहीं? मेरे ख्याल से 4-5 साल और रुक जाना चाहिए, क्योंकि रिंकी भी बच्ची है, और जब शादी करनी है तो अभी करें या बाद में करें क्या फर्क पड़ता है ना अंकल? ये कौन है? अंकल ये इस घर में काम करता है, इसलिए तो विक्रम बाबू इस घर का और घर वालों का ख्याल रखना मेरा फर्ज बनता है। चुप बैठो राजू। लेकिन विक्रम बेटे इतने कम दिनों में तैयारियां कैसे होंगी? अरे मित्तल साहब आपके इशारे पर तो आधा इंग्लैंड चलता है, आप चाहो तो 2 दिन में धूमधाम से बेटी की विदाई कर सकते हो। वो तो ठीक है, मगर हमारे भी कुछ अरमान है, एक ही तो बेटी है। दादाजी मैं सोचता हूँ अगर चाचा जी के होते हुए शादी हो जाए तो मेरे तरफ से आशीर्वाद देने वाला होगा। हम भी जरा ठीक से सोच लें, फिर एक आध दिन में आपको बताते हैं। शुक्रिया। मिस्टर राजेश, वी आर द ओनली इंडस्ट्रियलिस्ट जो हिंदुस्तान में गाड़ी बनाते हैं और उसे विश्व भर में बेचते हैं, और हमने यूरोप की एजेंसी पुरुषोत्तम मित्तल को इसलिए दी थी कि वो भी हिंदुस्तानी है। शुरू शुरू में सेल्स बहुत अच्छे थे, उसके बाद देयर वाज अ ग्रेट फॉल, वी आर वेरी अनहैप्पी। हमने फैसला किया है कि ये एजेंसी तुमसे वापस ले लें। क्या बात कर रहे हैं आप सर? दरअसल पहले पुरुषोत्तम मित्तल के पास सिर्फ हमारी एजेंसी थी, अब तुम लोगों ने अपना काम इतना बढ़ा लिया है कि हमारी एजेंसी के लिए तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। नहीं सर, ये एजेंसी अब पैसों की बात नहीं है। हाल ही में मुझे बिजनेस मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, मेरी इज्जत का सवाल है सर, माय रेपुटेशन। आज तक हमारे साथ जो भी जुड़ा है हमें छोड़कर कभी नहीं गया, और आप ये भी जानते हैं कि जो हमारे शोरूम्स हैं वो बेस्ट ऑफ द लोकेशंस में सिचुएटेड हैं। हमारा सेल्स डिपार्टमेंट बहुत एफिशिएंट है सर, हमारी फिर भी सेल्स गिरी हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ऐसी गड़बड़ है सर, लेकिन ना ही हमारी एजेंसी में गड़बड़ है और ना ही हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में गड़बड़ है। गड़बड़ है तो आपकी गाड़ियों में गड़बड़ है। नहीं सर, आप दूसरी कंपनी की गाड़ियों में बैठते हैं, जिस दिन आप अपनी कंपनी की गाड़ियों में बैठोगे उस दिन आप अपनी कंपनी को ताला लगा दोगे। ये क्या बोले जा रहे हो, क्या बोले जा रहे हो? सर मैं इनको इनकी गाड़ी का आईना दिखा रहा हूँ। जिस जमाने में हिटलर स्कूल गया था उस जमाने का मॉडल आप 21st सेंचुरी में बेच रहे हो। ये तुम क्या बोले जा रहे हो? सिट डाउन, नीचे बैठो। बोले तो इसे, बोले तो। थैंक यू सर। सर आपकी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी 0, लुक 0, कंफर्ट 0, ड्राइव 0। सर ये तो मित्तल्स की रेपुटेशन की वजह से आपकी जितनी भी गाड़ी बिक रही है बिक रही है, वरना आपके सेल 0 होते। सर सर आपकी गाड़ी नहीं है, आपकी बैलगाड़ी है। गाड़ियां ये होती हैं सर, ये देखिए सर, ये देखिए, बच्चों से लेके आपकी उम्र तक। आओ मेरे साथ। बर्बाद करने आया था, बर्बाद कर गया मुझे। बड़ा ही कमीना इंसान है ये। आज पहली बार हमें हमारी कमजोरी का एहसास हुआ है। बेझिझक सच बोला तुमने, हमारी कंपनी को तुम्हारे जैसे सच्चे और ईमानदार एम्प्लॉय की जरूरत है। तुम मित्तल को छोड़कर हमारे पास चले आओ, मुंह मांगे पैसे देंगे। सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन पैसों के लिए तो क्या, मैं उनको किसी भी चीज के लिए नहीं छोड़ सकता। एक रिक्वेस्ट है सर, ये एजेंसी उन्हीं के पास रहने दीजिए।
ठीक है, ये एजेंसी मित्तल के पास ही रहेगी। थैंक यू सर। क्योंकि मित्तल के पास तुम हो। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। आप हर चीज छुप छुप के क्यों करते हो? बातें छुप छुप के सुनते हो, प्यार छुप छुप के करते हो। अगर कोई मुझे दुनिया की पूरी दौलत भी दे देना, तब भी मैं आपको नहीं छोड़ के जाने वाला। सर पजवी कीजिए ना, क्या कर रहे हैं आप? अरे मैं तो खुशी से पी रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ आज। यार तूने मेरा दिल जीत लिया। मांग, तू जो भी मांगेगा मैं तुझे दूंगा। अरे तू क्या मांगेगा? आओ मेरे साथ आओ। एक सेकंड। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक्सक्यूज मी। अरे भाई सुनो, हेलो हेलो, इधर मुझे देखो। ये मेरा खोया हुआ बेटा है और मैं इसका बाप हूँ। बाप, मैं इसका बाप हूँ। मैंने इसके और इसके माँ के साथ बेइंसाफी की और तकलीफ पहुँचाई सर, लेकिन मैं मजबूर था क्योंकि सर बुरे लोग हैं। अंग्रेजी में? अंग्रेजी में, सॉरी। लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज माय लॉस्ट सन एंड आई एम हिज प्राउड फादर। आई एम हिज फादर एंड टुडे द ड्रिंक्स ऑन द हाउस, एंजॉय योरसेल्फ। क्या लगता है मैं पिया हुआ हूँ? मैं अभी तुझे कुछ सुनाता हूँ, सुन। एक पहले बन गया हूँ मैं, सुलझेगी ये कैसे, डर गया हूँ मैं। बन के जो जवाब तू आया है, बेटे मेरा दिल भर आया है। सब याद है भुला मैं नहीं, मजबूर हूँ बुरा मैं नहीं। मुझको माफी दे दे बेटा है तू मेरा, लग जा गले से आखिर साया है तू मेरा। नहीं फैक्स, नहीं जेरोक्स, नहीं टेलेक्स या कंप्यूटर की फ्लॉपी, तू है तेरे पापा की कार्बन कॉपी। नहीं फैक्स, hey! नहीं जेरोक्स, नहीं टेलेक्स या कंप्यूटर की फ्लॉपी, मैं तो मेरे पापा की कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी। नहीं फैक्स, नहीं जेरोक्स, नहीं टेलेक्स या कंप्यूटर की फ्लॉपी। गुड मॉर्निंग डैड। हेलो डैड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चाय लेके आओ। उठिए 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 ना, आइए ना, उठिए ना, बाप बेटे चाय पियेंगे। डैड डैड, ये क्या डैड डैड लगा रखा है सुबह सुबह तुमने? कल रात को आप ही ने मुझे बोला था बेटा। क्या बकवास कर रहा है? हाँ, कब मैंने तुझे अपना बेटा माना? कल रात को बार में। अरे मेरा सर, आप सबके सामने चीख चीख के कह रहे थे he's my son, I'm proud of him, he's a superb boy. I'm very happy. वहाँ आसपास कोई जाना पहचाना आदमी था जिसने ये बात सुनी? यही तो अफसोस की बात है डैड, सब गोरे लोग थे। हाँ हाँ, तो फिर भूल जाओ, रात गई बात गई, भूल जाओ, सामान वामान बांधो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, समझ लो। यही बात आपने मेरी माँ से भी कही थी ना, रात गई बात गई, सामान बांध लिया, फ्लाइट के लिए निकल गए। I'm proud of you, Dad. तुमने मुझसे झूठ बोला ना कि मेरे डैडी दुनिया में नहीं है, क्योंकि तुम्हें मालूम था कि मैं उन्हें झेल नहीं पाऊंगा। फिर क्यों मिलवाया मुझे उनसे? मालूम था कि ये कैसे इंसान है, फिर क्यों झूठ बोला? क्यों? क्या बकवास कर रहा है? मैं अपनी माँ से बात करूं, आपको कोई एतराज है इसमें? रात गई बात गई, शराब के नशे में कल आपने सबके सामने मुझे अपना बेटा कहा, शराब के नशे में आपने मेरी माँ से भी शादी की होगी, मैं आपकी निशानी हूं या पकड़िया बिस्की की? आपको क्या लगता है
कि मैं यहाँ आपकी दौलत के लिए आया हूँ? अरे जब मुझे पता चला कि मेरा बाप जिंदा है, मैं खुशी से पागल हो गया। सोचा जब मैं यहाँ लंदन आऊंगा तो मेरा बाप मुझे गले लगा लेगा और सबके सामने कहेगा कि ये है मेरी मेघना की निशानी। लेकिन आपको तो ऐसा लगता है कि मैं यहाँ आपकी दौलत लूटने आया हूँ। आपको क्या लगता है कि ये लड़का जो आधी चड्डी फटी हुई जींस के अंदर आपके घर के पूरे कामकाज करता रहता है, भीख मांगते रहता है कि प्लीज आप मुझे बेटा बुला लीजिए, ये कौन है? एक गरीब मेघना सक्सेना का बेटा जो आपकी दौलत लिया है? आप मुझे एक बात बताइए कि पुरुषोत्तम मित्तल साहब इंडिया में किसके साथ बिजनेस करना चाहते हैं? किसके साथ? राज इंडस्ट्रीज के साथ? राज कौन है? किसकी इंडस्ट्रीज? ये जो बेवकूफ इडियट जो आपके सामने खड़ा है, इसकी है राज इंडस्ट्रीज। बहुत दौलत है मेरे पास, सिर्फ आपके लिए आया था मैं यहां सब कुछ छोड़ छाड़ के। नहीं चाहिए मुझे आपका नाम, आपका फर्ज तो आप पूरा नहीं कर सके। लेकिन सुनिए मित्तल साहब, मैं भाई का फर्ज जरूर पूरा करके जाऊंगा और उसके बाद ना मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। ये क्या पैसा है दोस्त, पैसा? अरे इतने बड़े मित्तल के घर में तेरी शादी हो रही है, उस घर के मुताबिक तेरे पास खर्चे के लिए पैसा भी तो होना चाहिए ना। इतने थोड़े पैसे के लिए इतना मारा था, अभी क्या क्या करोगे तुम? अरे यार तब की बात तब थी, अब की बात अब है। अरे अब तो हम तेरे अंकल हैं, अंकुल। यस। क्यों सालो, मारते वक्त भूल गए थे रिश्तेदारी? अरे ये सब इसकी गलती है, तुझे मना किया था मैंने, कितना अच्छा लड़का है। लेकिन बड़के भैया, अच्छा मेरे बाप नाराज क्यों होता है? ले तू भी मार ले। अरे क्या, मुझे भी मार ले, चल मार ले। तुम शरीफ लोग अचानक इतने मेहरबान क्यों रहे भाई? अरे यार तू मित्तल का दामाद बनने वाला है और मित्तल का बिजनेस पूरे यूरोप में फैला हुआ है, हम उसके एक नंबर के पैसों के साथ साथ अपना दो नंबर का धंधा चलाना चाहते हैं। बोल कैसा आइडिया? कमाल का आइडिया है। एक तरफ तू अपने ससुर का व्हाइट पैसा उड़ाएगा और दूसरी तरफ तू अपने अंकल का ब्लैक पैसा। तू निकल पड़ी यार, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं अकेले नहीं आया हूँ, आपके होने वाले ससुर और आपकी होने वाली पत्नी को भी साथ लेके आया मित्तल साहब। मित्तल साहब ये आपके शायद होने वाले दामाद हैं, क्या आप इनको अपनी बेटी के हाथ देंगे? हाथ तो मैं से दूंगा लेकिन रिंकी का नहीं, अपना हाथ दूंगा। तुमने हमारे साथ धोखा किया कमीना, हमारे साथ मेरी बेटी के साथ फरेब किया। ये आदमी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, अच्छा मित्तल साहब इसे मार ले। तुम कितने करा ले अपना मित्तल साहब? अरे मैं तो तुझे अपना दामाद बनाने वाला था और तूने ये सिला दिया कमीने। मित्तल साहब क्या कर लेगा तू? हां क्या कर लेगा तू? मैं तुझे पुलिस में लूंगा अभी। मित्तल साहब निकल चल छोटे, निकल चल। ये रिंकी का फोन है, घबराई हुई है। हेलो, हाँ रिंकी बोलो। मम्मी पापा को क्या, पापा को क्या हुआ? आईसीयू में है। क्या बाबूजी? मित्तल साहब का हॉस्पिटल छोड़कर एक फर्ज पूरा किया, अब तुझे मारकर दूसरा फर्ज पूरा करूंगा। Ah!
साहब। I'm sorry to say, so Mr. Mittal, पर मिस्टर राजेश की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। तो इंतजार किस बात का है? कुछ कीजिए ना, पैसे की परवाह मत कीजिए, मैं पानी की तरह बहाने को तैयार हूँ। पैसे की बात नहीं है, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एक डोनर की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आप मेरी किडनी ले लीजिए। आपकी किडनी में नहीं ले सकता, एक तो आप डायबिटिक हैं और ऊपर से आपकी उम्र। डॉक्टर साहब, आप मेरी किडनी तो ले सकते हैं ना? नहीं मिसेस मित्तल, आपका ब्लड ग्रुप उनके ब्लड ग्रुप से मैच नहीं करता। डॉक्टर साहब, आप मेरी किडनी ले लीजिए। आप कौन है? मैं मित्तल साहब का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ सर। हम सॉरी, पर कानूनी तौर पर हम सिर्फ किसी रिश्तेदार की ही किडनी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, रिश्तेदारी क्या सिर्फ खून की होती है? मैं मालिक के घर की रखवाली करता हूँ, उनकी जिंदगी की रखवाली करना भी तो मेरा फर्ज है। मैं आपके इमोशंस की कदर करता हूँ, पर मैं मजबूर हूँ। अरे हाँ, ये अपना बंडी बेटा दे देगा किडनी, ऐसे मौके पर औलाद ही तो काम आती है। What? मैं किडनी दूंगा? हाँ बेटा, हर बाप अपने बेटे को जिंदगी देता है, मगर तू पहला बेटा होगा जो अपने बाप को जिंदगी दे रहा है। नो दादाजी, मैं अपनी किडनी नहीं दे सकता, मुझे पॉप सिंगर बनना है। अगर मैं किडनी डोनेट कर दूंगा तो मैं स्टेज पर नाचूंगा और गाऊंगा कैसे? बेटा, मैं तुझे 100 एल्बम बना दूंगा, पूरी म्यूजिक कंपनी खोल दूंगा। अपने बाप को किडनी दे दे बेटा। किडनी लेकर म्यूजिक कंपनी खोलने वाले दादाजी को आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। बंटी, कैसे बेटे हो तुम? तुम्हारी नजर में तेरी डैडी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? रिंकी मेरी बेटी है ना, अपने डैडी की बहुत लाडली है, बहुत प्यार करती है उनसे, ये देगी अपनी किडनी। मम्मी, बंटी लड़का होकर किडनी देने से इनकार कर रहा है, मैं तो फिर भी लड़की हूँ, आप मुझे कैसे कह सकते कि मैं किडनी दे दूँ? कल मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, पूरी जिंदगी जीनी है मुझे, किडनी की कमी की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई तो। अरे जिस डैड ने तुम दोनों को फूलों के जैसे संभाला, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, सिर्फ तुम दोनों की खुशियों के लिए जी रहा है, क्या तुम? मम्मी, उन्होंने कोई मेहरबानी नहीं की है। बंटी, बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना, लिखाना पढ़ाना माँ बाप का फर्ज होता है। और औलाद का? औलाद का माँ बाप के लिए कोई फर्ज नहीं है? अरे तुम जैसी औलादों को देखकर आज मुझे एहसास होता है कि मेरा बेटा कितना महान है। अरे सारी जिंदगी मेरे कहने पर जिंदगी गुजारता रहा, एक दिन भी अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजारी उसने, जैसा मैंने कहा वैसे जीता रहा। मेरे उसूलों के खातिर न जाने अपने हजारों खुशियों का गला घोट दिया उसने, पर मैं कितना मजबूर हूं कि अपने उसी बेटे के लिए आज कुछ नहीं कर पाऊं। लोग कहते हैं कि मैं लंदन का सबसे अमीर आदमी हूं, मगर मैं कहता हूं कि मैं दुनिया का सबसे गरीब आदमी हूं, कि मैं अपनी बेबस औलाद के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मैं अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं, कुछ नहीं कर पा रहा। डॉक्टर साहब, मैंने अपने तमाम रिश्तेदारों को खबर कर दी है, इंडिया भी फोन कर दिया है, कल तक कोई ना कोई आ जाएगा। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए, मेरे बेटे कुछ नहीं हो सकता। बोलिए ना डॉक्टर साहब, क्या हुआ उन्हें? डोंट वरी,
ही इज एब्सोल्युटली फाइन. हमने किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया है एंड द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल. किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया? पर किसने दी किडनी? आप तो कह रहे थे कोई रिश्तेदार हो, रिलेटिव हो, मगर वो आपका रिलेटिव ही है और उसने किडनी शर्त पे डोनेट की है कि उसका नाम और उसकी पहचान राज रखा जाए. मैं उसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता. वारे मालिक, हम तो समझते थे कि हम ही सबसे बड़े दानवीर हैं, पर किसी ने हमें खैरात देकर हमें यह एहसास दिलाया कि हम कुछ भी नहीं, वो हमसे भी बड़ा दानवीर है. भगवान उसको सुखी रखे, सुखी रखे उसको भगवान. ए बंटी रिंकी, आओ आओ, कम इन. बाबूजी, आप हमेशा इसे खोटा सिक्का कहते थे ना, वक्त आने पर यही खोटा सिक्का काम आया है. डॉक्टर ने मुझे बताया है कि किसी अपने ने मुझे किडनी दी है. मैं तो समझा था कि समझा. थैंक यू रिंकी. रिंकी ने अपनी किडनी देकर अपने पापा की जान बचाई. नहीं बेटा, किडनी ना रिंकी ने दी, ना बंटी ने दी और ना मैंने दी. फिर किसने? पता नहीं कौन था, कहां से आया था, कोई गुमनाम अपना था जिसने डॉक्टर को अपने रिश्ते का सबूत दिया, तुझे जिंदगी दी और चला गया. वेलकम होम सर. क्या हाल है बूटा सिंह? ये सब क्या है बेटा? राजू, ये सामान लेके कहाँ जा रहे? दादाजी हिंदुस्तान जा रहा हूँ. हिंदुस्तान? तू तो इस जैसा बनने आया था ना, उससे पहले ही जा रहा है? दादाजी आज बात समझ में आई, कहीं जैसा कोई नहीं बन सकता. तू मुझे छोड़कर जाएगा? राजू मेरी आंखों में देखकर बोल, तू मुझे छोड़कर जाएगा? तू क्या बोलेगा आज मैं सबको बताऊंगा. बाबूजी आप नहीं जानते हैं राजू कौन है. सर राजू, सर कुछ मत बोलिए, अभी हॉस्पिटल से आए हैं, आपको आराम की जरूरत है. नहीं राजू, अगर आज नहीं बोला तो मैं जिंदगी भर नहीं बोल पाऊंगा. बाबूजी, स्मिता, राजू मेरा बेटा है. बेटा? राजू. हाँ बाबूजी. All right. जैसे कि आप मेरे दादाजी हो, जैसे कि ये मेरी छोटी माँ है और ये मेरे छोटे भाई बहन है, वैसे ही मैं उनका बेटा हूँ. अरे क्यों कर रहे हो सर, क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं झूठ बोल रहा हूँ? और नहीं तो क्या? मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे आप लोग जानना चाहते थे ना कि किसने मुझे किडनी दी, किसने मेरी जान बचाई? बाबूजी वो आपका खून है, मेरा बेटा, और ये है राजू. राजू देखिए, देखिए आप सब, देखिए ये ऑपरेशन के स्टिचेस, देखिए आप सब. अरे तो ठीक है ना, मैंने आपको किडनी डोनेट की, ब्लड ग्रुप मैच हो गया, ये आपकी तकदीर, इनका नसीब, आपके कितने एहसान है मुझ पर, तो ठीक है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतने दिन तू मुझे परेशान करता रहा कि मैं तुझे बेटा बोलूं, और आज मैं कह रहा हूं तू सबके सामने. लेकिन मैं आपको पिता क्यों कहूं? क्यों कहूं मैं आपको डैडी, जब आप हो ही नहीं मेरी डैडी. नहीं बेटा बोल. अरे बोल मुझे डैडी, बोल बोल. क्यों बोल? राजू मैं कह रहा हूं बोल, मैं कह रहा हूं बोल दे राजू. राजू आज मैंने तुझे बाप की हैसियत से मारा है, बाप की हैसियत से. मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं,
विनती करता हूँ, हाथ जोड़कर भीख मांगता हूँ, तेरे पांव पड़ता हूँ, बता दे सबको। क्या करूँ डैडी? शाबाश बेटे। वाह, तुम दोनों बाप बेटों ने मिलकर इतना बड़ा राज हमसे छुपा के रखा। हमारा खून हमारे घर में रहा और हमें पता तक नहीं चला। और अगर आज हम वक्त पर ना आते तो इसकी इतनी बड़ी कुर्बानी का हमें पता ही नहीं चलता है। अरे बेटा, हमारा क्या कसूर है? तू हमें क्यों छोड़ के जाना चाहता है? नहीं दादाजी, आप लोगों का कोई कसूर नहीं, कसूरवार तो मैं हूं जो मैं यहां इस घर को तोड़ने के इरादे से आया था। कि जिस आदमी ने मेरी मां का घर नहीं बसाया, मैं उसके घर को उजाड़ दूंगा। लेकिन आप लोगों के साथ रहने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं किसका घर उजाड़ रहा हूं? अपने मां बाप का, अपने छोटे भाई बहन का, अपने दादाजी का? मैं इस घर में रहने के लायक नहीं, इसलिए मैं ऐसे जाना चाहता। राजू, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। क्या मैं एक बाप को बेटे से और एक बेटे को उसके बाप से कैसे छीन सकती हूँ? मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा एक और बेटा है जो मुझे आज मिला है। राजू भैया, मैंने तुम्हें राखी नहीं बांधी, पर इस राखी का हक मांग रही हूँ। यस बिग ब्रदर, आप ठहर जाओ, ये सब आप ही को तो संभालना है, तभी तो मैं पॉप सिंगर बनूंगा। चुप करो, सब के सब बोले जा रहे हो, तो मैं कौन हूं? क्या है, तू जाना चाहता है तो जा, अभी चला जा। मगर एक बात याद रखना, पोता दादा का दूसरा जन्म होता है। अगर तू चला गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा। मर जाऊंगा बेटा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। दादाजी क्या बोल रहे? मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा ना? सब एक हो गए, हम ही अकेले रह गए, हम ही पराए हो गए। मेरी बेटी का क्या होगा? हम कहां जाएंगे, किसका दरवाजा खटखटाएंगे भाई? हाँ, तुझे जहाँ जाना है जा, मगर अपनी बेटी को यहाँ भेजे, मेरे घर की होने वाली बहू है ये। मैं तो आ गई। दादाजी के पैर छू। जीत रहो बेटी, जीत रहो। सब फर्स्ट क्लास ससुर जी, जीते रहो। मैं जरा एक सेकंड ना। आखिर बेटा बुलवा लिया ना? कितना कमीना बेटा है तू रे। माने मुझे समझाया था, फोटो तुम्हारा दिखलाया था, जाना मैंने जाना, तुमको पहचाना, तुमसे मेरा रिश्ता जाने कितना है पुराना। नहीं फैक्स, नहीं ज़ेरॉक्स, नहीं टेलेक्स या कंप्यूटर की फ्लॉपी। नहीं फैक्स, नहीं ज़ेरॉक्स, नहीं टेलेक्स या कंप्यूटर की फ्लॉपी। मैं तो मेरे पापा की कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी है। नहीं फैक्स, नहीं ज़ेरॉक्स, नहीं टेलेक्स या कंप्यूटर की फ्लॉपी। अरे मैं तो मेरे पापा की कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी है। नहीं फैक्स, नहीं ज़ेरॉक्स, नहीं टेलेक्स या कंप्यूटर की फ्लॉपी।